धर्म को मूल है पाप मूल अभिमान। बोलो, दया धर्म को मूल है पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण। क्रोध मनुष्य का दुश्मन है और सब्र इंसान का साथी। मनुष्य रूप में है देवता, माता और पिता। लो, अब स्कूल जाने का समय हो गया। भोजन करो और भागो। शाबाश। अरे, ये तुम तीनों की तीनों एक साथ ये चाय लेके आओगी तो फिर मेरा क्या होगा? आज जान पड़ता है ससुर जी को चाय पिलाने के लिए बहुओं में होड़ लगी है। आज आपका जन्मदिन है। अच्छा, इसलिए आपको हमारे घर खाना होगा। वाह दीदी, अगर आप खाना हमारे घर खाएं तो क्या हर्ज है? ऐसे शुभ दिन बड़ी बहू के घर ही खाना चाहिए आपको। पर पिछली दिवाली के दिन भी पिताजी ने तुम्हारे ही यहाँ खाया था। दिवाली की बात छोड़ दो, ये बताओ होली के दिन क्या हुआ था? क्या हुआ था? होली आई और चली गई। गुड मॉर्निंग डैडी, चलिए आप हमारे घर में खाना खाइए। ये नामुमकिन है, आज तो पिताजी हमारे यहाँ खाएंगे। अरे ठहरो भाई, जरा सी बात पर झगड़ने लगे हो। अपने बेटों में झगड़ा ना हो, इसीलिए तो मैंने तुम लोगों का हिसाब किताब रहन सहन झूला चक्की सब अलग कर दिया। अब इस बात पर झगड़ रहे हो कि बूढ़ा भाप खाएगा कहाँ। लेकिन पिताजी, दूसरे के घरों में तो भाई लोग आंगन में लगे हुए पेड़ के भी टुकड़े कर देते हैं। एक टुकड़ा तू ले, एक टुकड़ा मैं लेता हूँ। पर यहाँ ये बात नहीं पिताजी, हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि आपका प्यार हरेक के हिस्से में मिल जाए। पिताजी स्कूल मास्टर थे ना भैया, इसलिए मास्टरी अभी तक नहीं गई। सारे परिवार को स्कूल बनाकर सेक्शन सेक्शन में बांट दिया है। करेक्ट। सेक्शन ए शंकर पार्वती, सेक्शन बी राम सीता, और आखिरी सेक्शन कन्हैया राधा। इस घर के लोगों के नाम का भी जवाब नहीं। शंकर पार्वती राम सीता कन्हैया राधा, सारे देवी देवताओं के नाम हैं। इन देवताओं के बीच तुम जैसी असुर कहाँ टपक पड़ी? तुम इस घर की महिमा क्या जानो? नाम तो देखो माला, तुम इस घर में पढ़ने आई हो, लेकिन पढ़ोगी कुछ नहीं, सिर्फ बातें बनाओगी। भाभी नंबर दो, ये तुम्हारी बहन है ना, जरा सा समझाओ। देखो दीदी, ये तो ऐसी बातें करते हैं जैसे मैं बिल्कुल पराई हूँ। अरे काहे को ऐसी बात कह रहा है भाई, है तो ये अपनी सीता की बहन, लेकिन मैं तो इसे अपने घर की बिटिया ही समझता हूँ। समझिए, जरूर समझिए, लेकिन आप खाने पे चल रहे हैं कि नहीं? अपने घर पे तो बनी है सूखी रोटी और चने की दाल। अच्छा बस 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 बस, आज मेरा जन्मदिन है ना, तो आज सब मिलकर इकट्ठे खाएंगे, ठीक? बस बस हो गया। मैंने कंघी कर दी है, मैंने रुमाल रख दिया, मैंने बटन लगा दिए, मैंने जूते चमका दिए। शाबाश शाबाश शाबाश, अब पिताजी कॉलेज जा सकते हैं। अरे अब भी क्या तुम्हारे पिताजी कॉलेज में सीखते हैं, सिखाते हैं? अच्छा तुम लोग जाओ। सुनो, कहो। शाम को जल्दी आना। आपका हुक्म सराखों पे सराखों पे। जानती हूँ तुम कॉलेज में संगीत सिखाते हो। हाँ, कोट पहनती हो ऑफिस जाने के लिए तो टाई क्यों नहीं लगाते? अरे बस बस बस, काफी है, हाई कोर्ट में एक मामूली सा क्लर्क हूँ, जज नहीं। हाँ भले ही क्लर्क हो, मगर दिखने में फिल्म के हीरो लगते हो। हीरो? और तुम कहाँ कम लगती हो। आओ यहाँ। अरे कहाँ जा रहे हो, आओ इधर। देखिए जरा, पूछिए अपने बेटे से इन्होंने क्या किया है। क्यों रे, क्या गोलमाल किया है तूने? इनकी कंपनी ने 500 रुपए बोनस दिया है। 500? जी, 5 दिन हो गए, लेकिन आज तक ना इन्होंने रुपए ला कर दिए ना उसका हिसाब दिया। अब समझ लीजिए आप, मैंने क्या दिया। ये उल्लू की तरह क्या देख रहा है, हजम कर गया 500 रुपए? मुझे क्यों नहीं ला कर दिए? चल चल बेंच पर खड़ा हो जा, चल। हर बात के लिए बेंच पर खड़े हो जाओ। स्कूल की मास्टरी छोड़े इतने दिन हो गए, लेकिन मास्टरी की आदत नहीं गई अभी तक। क्या बकबक कर रहा है,
फौरन चला जाएगा तो एक मिनट और बहस करेगा तो 20 मिनट। चल चल बाहर। ओ, ये तो अच्छा हुआ किसी छोटे बच्चे ने नहीं देखा, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाती है। बैठ क्या हुआ? उठ खड़ा हो। हाँ हाँ खड़ा रहता हूँ। चाचा बेंच पे खड़े हैं। अबे तुम्हारा बाप ही इसी बेंच पे खड़ा था। चल जाओ। पड़ोस में जो बंगला खाली था ना, मालूम होता है वहाँ कोई लोग रहने आए हैं। तुम्हें कैसे पता? अरे पिछले 3-4 दिनों से तो बराबर गाड़ियों का आना जाना चला है, लॉरी भर भर के सामान आ रहा है। मालूम होता है किसी ने खरीद लिया है मकान। कौन हो सकता है? चलो चल के देखे। चलो चलो देखो कितनी गाड़ियाँ खड़ी है पोतिको में। जरूर कोई पैसे वाले लोग हैं। फाटक पर गुरखा खड़ा है और सड़क पर लोगों की भीड़। तो कौन होगा? बगीचे में कुत्ता, 2-3 गाड़ियाँ, फाटक पर गुरखा और सड़क पर भीड़।
जरूर कोई सिनेमा स्टार है। सिनेमा स्टार? और वो भी हमारे पड़ोस में? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे कौन है ये सिनेमा स्टार? देखो देखो उधर देखो। कहाँ? वहाँ वहाँ। अरे हट, इसके हाथ में तो झाड़ू है, ये तो घर की नौकरानी है। अरे बाप रे, जब नौकरानी इतनी सुंदर है फिर वो सिनेमा स्टार कितनी सुंदर होगी। ये सिनेमा स्टार कौन होगी? कहीं शीला देवी तो नहीं? शीला देवी हुई माँ, फिर तो मैं उसे जरूर देखूंगी। दीदी दीदी ठहरो ठहरो, पहले उसे बाहर आने तो दो, तब देखेंगे। नमस्ते मेम साहब। नमस्ते। इस मैगजीन में तरह तरह के डिजाइन है मेम साहब। अच्छा, बिल्कुल लेटेस्ट। जो डिजाइन आप पसंद करेंगे वैसा ही ड्रेस बना दूंगा। देखो तो ये डिजाइन बहुत अच्छा है और ये भी बहुत अच्छा है जी। दो ड्रेस बना दीजिए और यहाँ पे जाले का कपड़ा जरूर लगाइएगा। दूसरी बात ये है कि फिटिंग एकदम फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, जिससे मेरा फिगर बहुत सुंदर नजर आए। समझ गया मैम साहब। महेश। यस मैडम। मैंने तुम्हें जंगल पिक्चर्स के प्रोड्यूसर के लिए एक लेटर टाइप करने के लिए कहा था, कर दिया? यस मैडम, बिल्कुल तैयार है। आप इस पर छठ से दस्तखत कीजिए, मैं फट से भेज देता हूँ। अच्छा देखो तो। नॉनसेंस, ये क्या टाइप किया है? मैंने कहा था अपनी पिक्चर जल्दी पूरी करने के लिए आप खुद कोशिश कीजिए, और ये तुमने क्या टाइप किया? मगर मैडम मैंने यही तो लिखा है, आप अपनी पिक्चर पूरी करने के लिए खुद कोशिश कीजिए। खुद कोशिश कीजिए। आई एम सॉरी मैडम, मैं अभी इसको दोबारा फटाफट की देता हूँ। तुम अपने आप को मेरा सेक्रेटरी कहते हैं और सारा काम उल्टा कर देते हो। सोच रही हूँ तुम्हें नौकरी से निकाल। यस नो मैडम, क्या कह रही हैं आप? मैडम ऐसा मत कीजिए, आप तो जानती हैं मैं कितना गरीब आदमी हूँ, अनाथ हूँ, मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, ना बाप ना माँ ना पत्नी। ये तो तुम्हारा हमेशा का ही रोना है। मैडम आपकी आज की ताजा एंगेजमेंट बोलो। 4 बजे से 5 बजे तक आपकी डांस रिहर्सल। अच्छा। 5 बजे से 6 बजे तक महिला समाज में आपका भाषण। अब आपकी मेकअप का टाइम मैडम। ओहो मैं तो भूल गई, देखो मुझे डिस्टर्ब न करना। वो देखो शीला देवी। कहाँ कहाँ? अरे वहाँ खिड़की के पीछे देखो। अरे बाप रे कितनी सुंदर है, देखो तो कैसे फूल की तरह कोमल है, ऐसे लगता है स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई है। वो देखो वो बालकनी की तरफ आ रही है, वो हमारी तरफ देख रही है। देखो तुम लोग नमस्ते करो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप हम सबके मनपसंद सिनेमा स्टार हैं, आप बहुत बहुत सुंदर हैं। सर धन्यवाद। जरा देखो कैसे हंस हंस के बात कर रही है। सुनिए अब आएंगे हमारे घर। अगर ये आए तो हम सबको बताएंगे कि सिनेमा स्टार शीला देवी हमारे घर आई थी। कब आएंगे आप? आज ही आएंगी। आऊंगी, एक रोज फुर्सत से जरूर आऊंगी। किस दिन आएंगी बताइए ना। 16 तारीख को आऊंगी। वाह उन्होंने आना मंजूर कर लिया। 16। सुनिए हमारी बड़ी इच्छा है कि हम आपसे मिलें, आपसे बात करें। ओ हमें बड़ी खुशी होगी। और मुझे भी, ये मेरी खुशकिस्मती होगी कि आप जैसे अच्छी परिवार की बहु बेटियों के साथ मिलू जुलू। अरे क्या बात है भाई, क्या देख रही हो? सुनो यहाँ तो आओ, ये देखो सिनेमा स्टार शीला देवी। अरे ये तुम लोग पहले नमस्ते तो करो। नमस्ते जी। नमस्ते शीला देवी, हम लोग इनके पति हैं और ये सब हमारी पत्नियां हैं। देखिए आपने एक पिक्चर में बहुत अच्छा काम किया था, क्या नाम था उस पिक्चर का? अरे क्या बक रहे तू, ये तो हर पिक्चर में अच्छा काम किया। अच्छा अब चलो यहाँ भीड़ करेंगे तो पिताजी आ जाएंगे। अरे आने दो आने दो। अरे वो कब नहीं आते हैं, उन्हें काम ही क्या है, और उन्हें भी आके देखने दो, हमेशा उनको गलत मौके पे आ टपकने की आदत है तो क्या। अरे पिताजी पिताजी शिलाजी पिताजी। हाँ पिताजी शिलाजी, क्या बक रहा है पिताजी? शिलाजी पिताजी सामने वाला बंगला बड़ा शानदार है। सामने वाला बंगला शानदार है, बंगले में रहने वाले शानदार है। चल चलो जाओ अपने काम करो। याद रखिएगा 16 तारीख। चलो चलो जल्दी चलो। शीला देवी आ रही है, शीला देवी आ रही है, इस घर में शीला देवी आ रही है, इस फटीचर घर में लखपति शीला देवी आ रही है। आ रही है तो आने दो। हाँ हाँ आकर देखेगी तो यहाँ थूकेगी भी नहीं। तो ना थूके। मैं बोलती जा रही हूँ और तुम पढ़े जा रही हो। शांति। देखो
जरा घर की शक्ल तो देखो, जगह जगह दीवार दांत निकाले हंस रही है। पर अब तुम क्यों दांत दिखा रहे हो? सुनो, जहां जहां पलस्तर निकल गया है वहां फिर से सीमेंट लगाना होगा, सब दीवारों को रंग लगाना होगा। मैं जा चुकी हूँ उसके घर, क्या वो ऐसा था? सारी दीवारें शीशे की तरह चमचमा रही थी, दीवार में देखकर ही कोई अपने बाल संवार ले। पार्वती, कोई मेहमान अपने घर आए इसका मतलब ये नहीं कि सारा घर हम सर पे उठा ले। बड़ी आसानी से कह दिया, कोई हमारे घर आने वाला है। क्या वो कोई है? कोई मामूली औरत है? कौन है वो? शीला, शीला देवी। हाँ देवी। अजी, इतनी बड़ी सिनेमा स्टार की दोस्ती किसके भाग में लिखी होती है? किसी के भाग में नहीं। अगर वो हमारे घर आएगी तो उसके बैठने के लिए दो कुर्सियाँ भी हैं। क्या, वो दो कुर्सी में बैठेगी? आ जाएगी कुर्सियाँ, आ जाएगी। चिकनी चुपड़ी बातें करना तो कोई तुमसे सीखे। देखो ये देखो कुर्सी, जब वो आएगी तो ये नहीं सोचेगी कि हमारे घर एक रेडियो भी नहीं है। रेडियो आ जाएगा। पहनने के लिए कोई रेशमी साड़ी भी है मेरे पास, वो भी मंगा लेंगे। गले के लिए कोई बढ़िया सोने की चैन है, अरे वो भी ले आएंगे। कोई घर में आएगा तो उसे चाय देने के लिए हमारे पास अच्छा सा टी सेट है, वो भी ले आएंगे। कमरे में एक पंखा भी है, वो भी मंगा लेंगे। तुमने सुना? सुना तो नहीं, तुम्हारे भैया के यहाँ शीला देवी के स्वागत के लिए बड़े जोरों से तैयारी हो रही है। हा? और हम चुपचाप देखते रहे, भला ये कैसे होगा? रेडियो लाने वाले हैं, रेशमी साड़ी, सोने की चेन, बिजली का पंखा। तुम दोनों एक ही घर में रहते हो ना, दोनों भाई भाई हो ना, फिर हम किस बात में उनसे कम है? अगर वो लोग अपने कमरे के लिए बिजली का पंखा लाएंगे तो मैं अपने कमरे में एयर कंडीशन लगाऊंगी, एयर कंडीशन। हाँ, ये क्या, मैं बोलती जा रही हूँ और मैं सुनते जा रहा हूँ। देखो देखो ना, एक अच्छा सा बड़े शीशे वाला ड्रेसिंग टेबल लाएंगे, ये लकड़ी की पुरानी अलमारी फेंक देंगे और गोदरेज की एक नई अलमारी लेकर आएंगे। ये गंदी खटिया दूर करके इसकी जगह एक डबल बेड लाएंगे और उसके ऊपर डल्लो पिलो का मोटा गद्दा बिछाएंगे। इसके अलावा एक अच्छा सा फ्रिजर लेकर आएंगे, क्या कहते हो? हाँ, अरे धन से बैठ क्यों गए? सुना तुमने, अगर 200 रुपए कमाने वाले इतना जोश दिखा रहे हैं तो 300 रुपए कमाने वालों को कितना जोश दिखाना चाहिए? अगर हम घर की हालत ऐसे ही रहने दें तो जब शीला देवी आकर देखेगी तो हमारे बारे में क्या सोचेगी? क्या सोचेगी? यही ना कि बेचारे सीधे साधे गरीब लोग हैं, ये लोग बस यही कर सकते हैं। ऐसे सोचने देना चाहिए? तो फिर क्या करना चाहिए? देखो, मेरी घड़ी के लिए सोने का पट्टा ला दो ना। क्या कहा? मैं उसे पहन कर उनके सामने यूं हाथ करके बात करूंगी। कैसे कैसे? ऐसे ऐसे। अगर मेहमान के सामने ऐसे ऐसे करोगी तो वो समझेगी तुम उसे जाने के लिए कह रही हो। तो फिर ऐसे ऐसे करूंगी। हाँ ये ठीक है। सुनो, मेरे कान के लिए अच्छे से झुमके ला दो ना, और ये अंगूठी चलेगी, पर गले के लिए एक नेकलेस ला दो। देवी जी, ये सब जेवरात आप पहनने के लिए मांग रही हैं या जोहरी की दुकान खोलने का इरादा है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, दो रेशमी साड़ियां भी चाहिए, एक मैसूर, एक कांजीवरम। एक काम करो, ढाका और बनारसी भी ले लो। अच्छा, तो वो भी ले आएंगे? तुम तो धड़ाधड़ मांग पर मांग किए जा रही हो, मगर यहाँ पैसा किसके पास है? मैं ठहरा बेटा स्कूल मास्टर का, तो वो भी रिटायर्ड, उनसे मांगूंगा पैसा तो मिलेगा चाटा। तुम समझते क्यों नहीं, अगर हम सिनेमा स्टार से दोस्ती करेंगे तो जानते हो शहर के सारे लोग हमसे मिलने आएंगे। लोग हमसे मिलने आएंगे या फिल्म स्टार से? अरे तो एक ही मतलब हुआ, सिनेमा स्टार से मिलने से पहले हमसे मिलेंगे। खूब लोग आएंगे तो तुम खूब दवाइयां बेच सकोगे, जो कुछ तुम्हारी 100 की कमाई है वो हजारों में बदल जाएगी, और वो 1000 लाखों में, तुम लखपति बन जाओगे। लखपति? हाँ, जब तुम अमीर हो जाओगे तो तुम्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ लगेगी, कुछ लोग चंदा मांगेंगे, कुछ लोग मदद मांगेंगे, कुछ लोग दान मांगेंगे। दान? मैं दान कभी नहीं दूंगा। तुम नहीं दोगे तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे हाथ पांव पकड़ लेंगे। हाथ पकड़ लेंगे तो मैं उन्हें लात मारूंगा। कौन है भाई, क्या चंदा मांगने आए हो? नहीं मिलेगा चंदा, जाओ। हमारे घर में कोई पेड़ नहीं है मिस्टर, जिस पर रुपए लगते हो। चंदा मांगना तो आजकल लोगों का धंधा बन गया है। मिस्टर, चंदा कितना चाहिए? आप बिल्कुल अजीब आदमी है साहब। मिस, आपका नाम? मैं क्यों बताऊं? देखिए, मैं शीला देवी का सेक्रेटरी हूँ, इसलिए आपको बताना ही होगा। अच्छा, मेरा नाम माला है। माला, कितना अच्छा नाम है। अच्छा देखिए, हमारे कॉलेज में एक जलसा होने वाला है, मेरा मतलब वैरायटी शो, इसलिए आपको एक टिकट खरीदना होगा।
70 रुपए। वो तो हम जरूर खरीद लेंगे, लेकिन अगर शीला दीदी ने ये पूछा कि किससे खरीदा है तो? मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ। पड़ोस में? कितनी अच्छी बात है। तो आप ले रहे ना टिकट? जरूर ले रहा हूँ जरूर, लेकिन देखिए मैं आपका टिकट ले रहा हूँ इसलिए आपको भी मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद? देखिए मैं इस दुनिया में बिल्कुल अनाथ हूँ, ना बाप ना माँ ना पत्नी, इसलिए आप मेरी एक छोटी सी मदद करिए। ओहो क्या मदद? मुझसे प्रेम कीजिए। क्या प्रेम का मतलब आप जानती है ना? यही मतलब है ना? शायद यही मतलब होगा, क्योंकि मैंने आज तक किसी लड़की से ऐसी मदद मांगी नहीं थी। तो फिर मांग के देखिए ना। पता नहीं क्यों जब आपको देखा तो अचानक तबीयत हुई कि आपसे इस तरह की मदद मांगू। इस माला क्या आप बता सकती है कि ऐसा क्यों हुआ होगा? ठीक है ठीक है, टिकट की बात लाइए। अब तो पूरी किताब मुझे दे दिए, गली गली घूमकर एक एक टिकट बेच जाऊंगा। बहुत धन्यवाद। देखिए मैंने आपके मुंह पे चांटा मारा, आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं नहीं नहीं, आप चाहे तो दूसरे गाल पे भी मार सकती हैं। आज तो प्रेम की नींव पड़ी है और वो भी जबरदस्त। देखिए मिस्टर, अगर आपने फिर से प्रेम प्रेम की बातें की तो मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। हाँ आपने एक बात देखी, आपका नाम माला माँ से शुरू होता है, मेरा नाम महेश माँ से शुरू होता है, मोहब्बत वो भी माँ से शुरू होता है, मोरख ये भी तो माँ से शुरू होता है। ये बात हुई ना, जरा सी देर में हमारे घर का हुलिया ही बदल जाएगा। हाँ नया रंग नया ढंग, सारी करामात रंग में ही होती है ना राधा? सच तो है, जब शीला देवी आकर देखेगी तो एकदम दंग रह जाएगी। बिल्कुल। अरे बाप रे पिताजी आ रहे हैं, अगर उन्होंने हमें ऐसे देख लिया तो वो दंग रह जाएंगे, भागो। अरे ये क्या मालूम होता है, रंग अभी तक सूखा नहीं, सारा रंग चिपक गया। अरे ये तो मैं भी चिपक गया, मर गए। ये भी कैसे बाप है, देखकर अनदेखी भी नहीं करेंगे, बुढ़ाऊ सीधा यही चले आ रहे हैं। हाँ बिटवा मैं ही वो बुढ़ाऊ हूँ जिसने तुम जैसे हीरे को जन्म दिया। जन्म दिया सो ठीक किया, अब जन्म भर आप हमारा पीछा ही करेंगे। शीला देवी 16 तारीख आएगी हमारे घर। ये सब क्या हो रहा है, ये 16 तारीख के पागलपन में तुम लोगों ने सारा घर सर पर उठा रखा है। पिताजी ये तारीख बार बार नहीं आती। तो ना आए? उस दिन फिल्म स्टार शीला देवी हमारे घर में पधारने वाली है। ओ पिताजी, भारत की सबसे बड़ी स्टार है शीला देवी। सबसे बड़ी? तब तो मुझसे भी मोटी होगी है। सुनो बेटी ऐसा करो, जैसे ही वो यहां आए तुम सब उसकी आरती उतारो, अगर ये भी कम है तो धरती पर लेटकर साष्टांग दंडवत करो, 5-10 पैसे में सब काम निपट जाएगा। पिताजी बात यह है, हम सब पुरानी चीजें नई चीजों में बदल रहे हैं। अच्छा तब तो ये बुढ़ा बाप भी पुराना हो गया, इसे भी बदल डालो। ये तो बहुत मुश्किल है पिताजी, फिर भी हम कोशिश करेंगे। शाबाश शाबाश शाबाश। पिताजी शीला देवी कोई मामूली हस्ती नहीं, बहुत बड़ी हस्ती है, और एक लखपति की दोस्ती बनाना कोई मामूली बात नहीं। नहीं मामूली बात नहीं। हमारे पास पैसे तो नहीं है, मगर हम दिखावा तो कर सकते हैं कि हमारे पास पैसे हैं, इसी में हमारी इज्जत है पिताजी। नहीं बेटे, इस इज्जत में इज्जत नहीं है, ये झूठी इज्जत है। ये दिखावे का बुखार जो चल रहा है, पहले चोर बनकर तुम्हारे जिस्म में घुसेगा, फिर ये मेहमान बनकर तुम्हारे मन में रहेगा, आखिर में तुम्हारे दिल और दिमाग पर काबू पाकर तुम्हारा मालिक बन जाएगा और तुम इस दिखावे के नौकर। ना ना बेटा, ये झूठा दिखावा हमें शोभा नहीं देता। ये देख हमारे मजदे शहजादे साहब चले आ रहे, मालूम होता है कि गली के कोई फेरी वाला है। ये दरवाजे के पर्दे पिताजी, पर्दे 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 जो तुम्हारी अकल पर पड़े हुए हैं। खैर ये बताओ ये सब गोलमाल के लिए पैसे कहां से आए? बात ये है पिताजी, हम कुछ चीजें भाड़े पर लाए हैं ऑन हायर, और जैसे ही शीला देवी यहाँ से चली जाएंगी हम लौटा देंगे। कुछ चीजें हम महीने के हिसाब से लाए इंस्टॉलमेंट, कुछ चीजें हम लोग उधार लाए हैं ऑन क्रेडिट। और हाँ पिताजी, अगर पंखा चले तो 3 रुपया महीना किराया। चले तब ना। इंस्टॉलमेंट किसको कहते हैं मालूम है ना पिताजी? इंस्टॉलमेंट किसे कहते हैं जानते हो बेटे?
ना चला। अरे ये काट का उल्लू कौन है, खंबे की तरह खड़ा है? ये अपना नया नौकर है पिताजी। है वो अपना पोस्टमैन है ना, और चंदू उसका छोटा भाई है नत्तू, अपने तरफ का है। अरे किसी भी तरफ का हो, कहां से मिला ये? ये भी इंस्टॉलमेंट में आया क्या? कुछ महीनों में अपना हो जाएगा ना। सुनो जी, जरा इधर तो आओ। क्या बात है? एक बड़ी भारी चीज लाना तुम भूल गए। मैं भूल गया? अपने कमरे के लिए एक बढ़िया गालीचा और वो घड़ी जो तुम मेरे लिए लाने वाले थे। बस इतनी सी बात? जी और कोई चीजों की ऑर्डर करो, मैं फटाफट ले आता हूँ। जितना हजम हो सके बस उतना ही खा। बोलो। जितना हजम हो सके बस उतना ही खाओ। बड़ी दीदी, जैसे तुमने कहा था, अपनी दीदी की सब साड़ियाँ चुपचाप उठा ले आई हूँ, सब की सब रेशमी है। हाय हाय हाय, इतना चौड़ा जरी का किनारा है, क्या सीता इतनी सारी जरी की साड़ी पहनने वाली है? तो क्या मैं तुम्हारी दीदी से कम रहने वाली हूँ? वो ये रेशमी साड़ी ही पहनने वाली है ना, तो मैं हीरे का हार लाकर पहनूंगी, हीरे का। फिर वो क्या करेगी? हीरे का हार? वो कहाँ है दीदी? लाती हूँ उधार, मेरी सखी है कमला, उससे। जेवर कभी उधार न लो, जेवर कभी उधार न लो, नहीं तो पछताओगे, नहीं तो पछताओगे। दीदी, जैसे ही शीला देवी आएगी तो मैं सबसे पहले उन्हें अपना कमरा दिखाने ले जाऊंगी। आहा, इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ, पहले अपना कमरा दिखाने का हक मुझी को है। बड़ों का फर्ज है कि छोटों को मौका देना चाहिए। शीला देवी के चरण पहले मेरे कमरे में पड़ने चाहिए। तुम लोगों का फर्ज है कि इतना आदर तो मुझे जरूर दो। हाँ हाँ, आदर तो हम देंगे दीदी, मगर तुम हर बात में अगर हक जताने लगो तो गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर क्या कहते हो तुम? घर में आते ही हमारा कमरा पहले पड़ता है, इसलिए शीला देवी को पहले हमारे कमरे में आना चाहिए और उसके बाद हमारे कमरे में। तो मेरे कमरे में सबसे आखिर आएंगी ना, इसको मैं मान जाऊंगी? ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? कैसे नहीं हो सकता? तुम मेरी बात सीधी तरह सुनने वाली हो या नहीं? ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात है। हाँ, ये कहाँ से आया? हीरा है क्या? हाँ, सारा का सारा हीरा है। शीला देवी के सामने क्या तुम ये पहनने वाली हो दीदी? हाँ। फिर हम क्या करेंगी दीदी? तुम ढाका और बनारस लाई हो तो मैं कोहिनूर ही ले आई हूँ, कोहिनूर। अरे बाप रे, क्या चम चम चमक रहा है। हाँ, जो पहने तो रानी लगे। तो अब मानोगी मेरा कहना? मानेंगे। तो आओ मेरे साथ, आते बैठो यहाँ। बैठते हैं। जब तक मेरे कमरे से शीला देवी तुम्हारे कमरे में पहुँचेगी, तब तक मैं यह हार खिड़की से तुम्हें दे दूंगी। ये तरकीब अच्छी है। 16 जून सिनेमा स्टार शीला देवी पधार रही हैं, शानदार स्वागत। सुनो। हाँ? जरा इधर देखो, बोलो कैसी लग रही हूँ? वाह वाह, क्या बात है, अब तो शीला देवी भी तुम्हारे सामने फीकी पड़ जाएगी। पार्वती, माना कि ये हार उधार मांग कर लाए हैं, लेकिन फिर भी तुम इसमें मंदिर की देवी दिखाई देती हो। देखो। हाँ? मेरी तरफ ठीक से देख के बताओ, शीला मुझे देखकर मेरी उम्र का क्या अंदाजा लगाएगी? पार्वती, तुम्हें देखकर मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम 5 बच्चे की माँ हो। 5? हाँ? 5 बच्चे? हाँ? सच में तुम्हें नहीं लगता ना? नहीं लगता। तो क्या वो मुझे 4 बच्चों की माँ समझेगी? बिल्कुल नहीं। 3? ये भी नहीं हो सकता, लेकिन 2 हो सकता है। हुँ? वो इसलिए कि मैं 2 बच्चे का बाप दिखता हूँ ना। 2? तो फिर ऐसा क्यों ना करें? क्या करें? बाकी के 3 बच्चों को एक कमरे में बंद क्यों ना कर दे? बंद कर दे? क्यों क्यों? 5 बच्चों को देखकर अगर वो मेरी उम्र ज्यादा समझी तो जो शीला मुझे प्यार से दीदी दीदी कहती है, वो फिर मुझे दादी दादी कहने लगेगी। पार्वती, इसके लिए बच्चों को कमरे में बंद करना अच्छा नहीं। थोड़ी ही देर के लिए, जब तक शीला देवी यहाँ आकर न चली जाए। पार्वती, कुछ मत कहो। अगर उम्र छिपानी हो तो फिर बच्चों को छिपाना ही होगा। छिपा नहीं होगा। अब समझ में आया? हाँ। अरे ऐसी भी औरतें हैं जो अपनी उम्र छिपाने के लिए अपनी बेटी को बहन बताती है, उससे तो बुरा नहीं। बुरा नहीं।
देखो तुम तीनों इधर आ जाओ। क्यों माँ? अब मैं एक घंटे के लिए तुम तीनों को इस कमरे में बंद करने वाली हूँ। जरा सी भी आवाज मत करना तुम। क्यों माँ? क्यों? अब क्यों क्या मत करो, चलो मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगी। मैं भी नहीं आऊंगी। नहीं आएगी? लगाऊंगी तमाचा। चलो चलो। अरे बाप रे, देखी अपनी बेरहम भाभी की करतूत। देखी लोगों को अपनी उम्र छिपाते तो देखा है हमने, मगर इसके लिए बच्चों को कमरे में बंद करते नहीं सुना। ये क्या, मैं बात किया जा रही हूँ? क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी भाभी ने तीन बच्चों को कमरे में बंद कर दिया है। हाँ क्यों भाई, उनका क्या कसूर था? उनका यही कसूर था कि वो तुम्हारी भाभी के पेट से पैदा हुए। वो बच्चों को छिपा रही है अपनी उम्र कम बताने के लिए। फिर मैं ये चश्मा पहनकर बड़ी क्यों लगूं? मैं भी अपना चश्मा छिपाऊंगी। अरे भगवान, अगर तुमने अपना चश्मा उतार दिया तो राम समझकर किसी शान के पीछे चली जाओगी। हाँ बस बस बस, इतनी खराब नहीं है मेरी आंखें। बगैर चश्मे के मैं पढ़ नहीं सकती तो क्या हुआ, चीजें जरा धुंधली दिखाई देंगी। यही ना तो ये क्या कम बात हुई है? तुम्हारी भाभी तो जवान दिखने की कोशिश कर रही है, मैं तो हूँ ही जवान, नहीं क्या? ये तो सच है गरी। अब इसके मुंह पर ना कैसे कहूँ। अरे ये क्या हो गया, मेरे इस तरफ की मूछ किधर गई? हाँ क्या हुआ तुम्हारी मूछ को? तो क्या अभी तक तुम्हें ये भी नहीं दिखाई दी? कहाँ गई होगी? चूहा ले गया होगा। शिला दीदी का आने का वक्त हो गया और एक तरफ की मूछ का है। अब तुम एक काम करो, दूसरी तरफ की मूछ भी उड़ा दो। अरे क्या तरकीब बता रही हो, दूसरी तरफ की मूछ उड़ा देता हूँ, सर उड़वा देता हूँ। और ये मूछों के वजह से मैं मर तो लगता हूँ। तो फिर ऐसा करो, ये मेरी आईब्रो पेंसिल है ना, इससे यहाँ की मूछ बना लो, जल्दी जल्दी। चलो यही सही। शीला देवी आ रही है हमारे घर में, आज शीला देवी आ रही है, खुशियां मनाओ। ये लोग तो हमेशा वक्त पर आते हैं ना, फिर ये क्यों नहीं आई? हाँ क्यों नहीं आई? अरे मैं तुमसे पूछ रही हूँ। चलिए मैं छत पर जाकर देखती हूँ कि वो घर से निकली है या नहीं। उफ़ो, किस शैतान ने ये लिख दिया? अगर शीला देवी देखेगी तो ये नहीं समझेगी कि हम उसका मजाक उड़ा रहे। मिस्टर, अरे ओ मिस्टर। यस। क्या शीला देवी घर से रवाना हो गई? अजी अजी वो कपड़े बदल रही है। शीला देवी कपड़े बदल रही है? शीला देवी कपड़े बदल रही है। वो गाड़ी में बैठ रही है। वो गाड़ी में बैठ रही है। गाड़ी चलने लगी। गाड़ी चलने लगी। गाड़ी आ रही है। गाड़ी आ रही है। तुम शीला देवी को पहले अपने कमरे में कैसे ले जा सकती हो? हाँ मैं भी तो यही कहूँ। ओफो मैं क्या करूँ, वो तो खुद ही आ गए। दीदी लाओ मुझे हार दे दो जल्दी से। दीदी लाइए ना, लाइए लाइए, बैठिए ना, आप बैठिए। आप भी बैठिए। नहीं मैं खड़ा रहूंगा, आप बैठिए। मेरा नाम राम है, राम। मैंने आपको छत पर से बहुत दूर से देखा था, आज इतने पास से देख रहा हूँ। क्या काम करते हैं? मैं हाईकोर्ट में गुमास्ता हूँ, क्लर्क क्लर्क। इस तरह आप क्या देख रही हैं? ओह एक मामूली क्लर्क होने पर भी मैंने ये कोट ये टाई पहन लिया, यही देख रही है ना आप? ये जो आप आ रही थी ना, इस खुशी में मैंने पहन लिया। सीता दीदी, दीदी मेरी अच्छी दीदी, हार दो ना। मेरे बड़े भाई शंकर कॉलेज में पढ़ाते हैं, अब कुछ ज्यादा कमाए नहीं, संगीत सिखाते हैं। अच्छा? जी हाँ जी हाँ। हमारे पिताजी दीनानाथ पहले स्कूल मास्टर थे, अब रिटायर्ड हो चुके हैं। अगर हम में से किसी ने गलती की ना तो वो हमें फौरन बेंच पे खड़ा कर देते हैं। नमस्ते, आइए आइए, ये मेरी पति है, इनका नाम इन्होंने बता दिया। बता दिया? अच्छा अच्छा, ये हाईकोर्ट में बहुत बड़े वकील है। अच्छी प्रैक्टिस है, खूब पैसा कमा लेते हैं। देखिए देखिए ना, ये आपका हार बड़ा सुंदर है, देख लिया आपने? सारे के सारे हीरे हैं, असली। अच्छा क्या खाएंगे पिएंगे आप, क्या लेंगे? कुछ नहीं। ये क्या, कुछ ना कुछ तो लेना ही चाहिए आपको। प्लीज अभी नहीं। क्या टाइम हुआ है? टाइम तुम्हारी घड़ी में क्या टाइम है? 5:20 हो गए हैं। मेरी घड़ी सिर्फ 5 मिनट पीछे है बस। मैं जरा उन लोगों से मिल लूं फिर आऊंगी। हाँ, जरूर जरूर। धीरे से धीरे से। संभल के जी। धीरे से। आइएगा। तुमने चश्मा तो उतार दिया, लेकिन जब उसने टाइम पूछा तो पकड़ी गई ना,
भाभी भी हंसने लगी। हंसने दो, अब देखो मैं क्या करती हूँ। सीता हार दो जल्दी से, शीला देवी आ गई। अरे जल्दी आइए आइए आइए, हम आपके आने का इंतजार ही कर रहे थे कि आप अब आती हैं, अब आती हैं। और अब आ गई। ये हमारा कमरा है और ये मेरे पति हैं। नाम पार्वती? नहीं नहीं, मेरा नाम नहीं, इनका नाम पार्वती है। मेरा नाम शंकर है, शंकर पार्वती। मैं कॉलेज में प्रिंसिपल है। आपने मकान देखा हमारा? आपके मकान जैसा तो बड़ा नहीं है, फिर भी बुरा नहीं है ना? अच्छी नहीं, अच्छी नहीं। तुम खड़े क्यों हो? जरा पंखा चला दो। अभी लो, अभी लो। सुनो, रेडियोग्राम पर कोई अच्छा सा गाना बजाओ ना। है हमारे पास रेडियोग्राम। ठीक है, अभी रहने दीजिए। ये क्या, कांच की चूड़ियाँ? मैंने नहीं सोचा था आप कांच की चूड़ियाँ पहनेंगी। मुझे कांच की चूड़ियाँ बहुत पसंद है। आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। मैं तो हमेशा सीधा साधा रहना चाहती हूँ, लेकिन अब मुमकिन नहीं होता। अच्छा ये बताइए, ऐसी घर गृहस्थी के बारे में आपके क्या विचार है? अरे आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे कोई अखबार वाले पूछते हैं। अखबार वाले ऐसा पूछते हैं? बोलिए ना। पति पत्नी, घर गृहस्थी, ये सब मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अभी ये सोचने से क्या फायदा। अरे रे, बस करो, माँ देखेगी तो मारेगी। अरे इधर आओ। चाची चाची, क्या है चाची? ये लो चॉकलेट। चाची मुझे नहीं, मुझे नहीं। शोर मत मचाओ, जैसा मैं कहूंगी वैसा करना, समझे? देखो बच्चों, हमारे घर कौन आया है, नमस्ते करो। नमस्ते। नमस्ते, हाउ स्वीट। आपके बच्चे हैं? जी हाँ। बेटी बेटा? हमारे दो ही बच्चे हैं, सिर्फ दो। कौन है? नहीं तो कोई नहीं। माँ विनोद है। ये बच्चे कौन हैं? ये बच्चे, ये तो हमारे पड़ोस के हैं, सारा दिन हमारे ही घर बने रहते हैं, हमेशा हमारे चक्कर काटा करते हैं, जैसे हम ही इनके माँ बाप हैं। बेचारे बेचारे। तो क्या ये ऑर्फन्स हैं? ऑर्फन्स? नहीं, मैंने कहा ऑर्फन्स हैं क्या? क्या कहा आपने? इतना भी नहीं समझी? ये अंग्रेजी में पूछ रही है कि ये बच्चे अनाथ है क्या, अब समझी? जी शुक्रिया। शुक्रिया। नमस्ते। आइए आइए आइए। चलिए चलिए, हाथ पड़ा। हेलो हेलो, तू क्यों? मैं भी आती हूँ। पास लो, पास लो। चलिए 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 जल्दी। अब चलिए चलिए। आहिस्ता आहिस्ते। हाँ, आप तो चल रही हैं, आप तो पैदल चल रही हैं। सोफे पे बैठिए। क्या लेंगी आप? बोलिए क्या लेंगी आप? आपको बादाम की खीर बहुत पसंद है ना, इसलिए मैंने खास आपके लिए बनाई है। क्या बकती हो, शीला देवी को तो गाजर का हलवा पसंद है, अखबारों में तो मैंने यही पढ़ा था। तुमने गलत पढ़ा होगा। जैसे तुमको सब मालूम है, क्यों जी आपको गाजर का हलवा पसंद है ना? आपको बादाम की खीर पसंद है ना? आप दोनों आपस में लड़की हो रहे हैं तो फिर दोनों पसंद है? मिला दूं दोनों को? मैं बताऊं सबसे ज्यादा मुझे क्या पसंद है? क्या? छाछ का एक गिलास। छाछ का गिलास? देखिए हमने तो आपको बड़ी भारी सिन्मा स्टार समझा था, लेकिन आप तो बिल्कुल श्रावण सोमवार निकली। छाछ मांग रही है, अब क्या करें? तुम बैठी रहो, मैं लाता हूँ। सीता क्या है दीदी? अब तो तसल्ली हो गई तुम्हारी? किस बारे में? किस बारे में? शीला देवी के सामने दिखाती हो कि तुम्हें ही अंग्रेजी आती है। कौन सा लफ्ज था वो? हाँ अर्पण। ओफो, अर्पण नहीं ऑर्फन। कुछ भी हो तो तुम मुझे इसका मतलब समझा रही हो? सिर्फ मतलब ही तो बता रही थी, तो क्या बुरा किया? शीला देवी थोड़ी देर और ठहर जाती तो शायद तुम ये भी कह देती कि मैं चौथी फेल हूँ। ऐसी क्या बड़ी बात है अंग्रेजी में, क्या मैं नहीं सीख सकती? कौन कहता है तुम्हें ना सीखो? सीखो सीखो, जरूर सीखो। हाँ हाँ सीखती हूँ। तुम्हें तो टूटी फूटी अंग्रेजी आती है, जिस पर इतना घमंड। संगीत आता है? मुझे तो संगीत आता है, मल्हार मालकोस दीपक दरबारी बेहा भैरवी पूरिया पीलू सब राग जानती हूँ। तुम जानती हो तबला और तबेला में क्या फर्क है मालूम है तुम्हें? मुझे मालूम है। कोई पूछेगा सारंगी क्या चीज है तो तुम समझोगी नारंगी और कहोगी फल है। हाँ हाँ दीदी, तुम्हें तो सब कुछ मालूम है। हाँ तो ऐसा बोलो, ऐसी क्या बड़ी बात है अंग्रेजी में, क्या मैं नहीं सीख सकती? देखो 10 दिन के अंदर मैं अंग्रेजी सीख कर बताती। हाँ
चिल्ला क्यों रही हो दीदी? शीला देवी है दूसरे कमरे में। अर्पण अर्पण। हाँ, बड़ा अच्छा सेंट लगाया हुआ है आपने। सिंगापुर से मंगाया है मैंने। सिंगापुर? मैंने तो कोल्हापुर तक नहीं देखा। सुनिए, हम लोग आपका शूटिंग देखना चाहते हैं। हाँ हाँ जरूर, हम लोग सबके सब आ सकते हैं, क्यों नहीं। उस दिन आप भी आएंगे शूटिंग पे। शीला जी, जब आपकी पिक्चर रिलीज होती है तो आपको कैसे लगता है? धक धक लगता है। तुम चुप रहो। देखिए, आपने एक पिक्चर में बहुत अच्छा काम किया था। क्या नाम था पिक्चर? दुख भरे सीनों में जो आप दौड़ कर आती है और आकर एकदम ठीक गड्ढे पर गिरती है, वो कैसे? अगर ये जमीन पे गिरेंगी बेचारी के दांत नहीं टूट जाएंगे, इसलिए इनको गड्ढे में गिरना पड़ता है। ये देखो, हम तो बस बातें किए जा रहे हैं। लीजिए। राधा राधा। अच्छा, तुम अपने हाथ से देना चाहते थे ना? और फोटो तुम लेना चाहती थी। यूलो, यूलो। ये। राधा एक फोटो लेना चाहती है जिसमें मैं आपको छाप दे रहा हूँ। अरे क्या हो गया? जब मैं छाप देने लगा तो कैमरा खराब हो गया। ये लो, तुम छाप दो, मैं फोटो लेता हूँ। अच्छा, ना फोटो लेना आता है ना कुछ? माफ करना, हम दोनों आपकी एक फोटो लेना चाहते हैं जिसमें आप छाप पी रही हैं। रेडी? गिव अस माइल। अरे क्या हो गया? क्या हो गया? ओ, ये कैमरा है, ये घास लेकर डिब्बा है। क्या हो गया? वन मिनट प्लीज। देखो। कुत्ते के डर से यहाँ पे आया और यहाँ आप? Who are you? What are you? What brought you here? पढ़े लिखे हैं आप? I say get out. बहुत पढ़े लिखे हैं आप। कौन तुम? मैं हूँ कन्हैया। कन्हैया जी, गोकुल का नहीं, अपने घर का। तो फिर मैं हूँ महेश। महेशू, मैं धंधा करता हूँ दवाइयाँ बेचने का। आई एम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। मैं शीला देवी का सेक्रेटरी हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, ना बाप ना माँ ना पत्नी। बहुत खूब। हाउ डू यू डू? क्या चाहिए तुम्हें? आपका हाथ। मैं कहता हूँ घर में तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे शीला देवी चाहिए। बस मैं उनसे 10 मिनट के लिए रूबरू बात करना चाहता हूँ। शीला देवी का गुड़िया है जो आप बात करना चाहते हैं। मुझसे बात कीजिए, क्या बात करना चाहते हैं? शादी की बात है। कह दिया ना कि मैं दवाइयां बेचता हूँ। बात यह महसूस, हमारी कंपनी में सरदर्द, सरदर्द समझते हैं ना? हेडेक? हाँ बाबा समझता हूँ। बोलो। उसके लिए बहुत बढ़िया दवाई निकाली है। अच्छा, अगर शीला देवी मुझे एक इश्तिहार दे दें, हाँ, कि वो हर रोज हमारी दवा का इस्तेमाल करती है, तो मुझे मेरी नौकरी में तरक्की मिल जाएगी। भाई वाह, सिनेमा स्टारों को तेल पाउडर लिपस्टिक काजल के लिए इश्तिहार देते हुए तो सुना था, लेकिन ये सर दर्द के लिए अजीब बात है। बस है ना अजीब सी बात? अरे भाई महसू, इस दुनिया में कदर ही अजीब चीजों की है। मिस्टर, तुम आदमी हो या पैजामा? अरे यार, शीला देवी ने अगर सरदर्द के लिए इश्तहार दे दिया तो लोग यही समझेंगे कि शीला देवी खुद एक सरदर्द है, यानी कि शीला देवी के सर में हमेशा दर्द रहता है। तो कौन प्रोड्यूसर शीला देवी को अपनी पिक्चर में लेगा और बंदा किसकी नौकरी करेगा? यार, तुम तो हंसाने वाली बात करते हो, तुम कोई कॉमेडियन हो? नो, आई एम ए सीरियस मैन। अच्छा, सीरियस मैन? यस। मेरा इश्तहार लाओ। अच्छा बाबा बैठो, मैं देखता हूं। ओके, नीचे इंटरव्यू भी चलेगा। सपनों की रानी, आ आ आ, सपनों की रानी, नाचे गाए हम तुम, लहराए हम तुम, मुस्कुराए हम तुम, आजा बम चिक बम चिक बम चिक बम बम, आ सपनों के राजा, आ आ आ, सपनों के राजा, नाचे गाए हम तुम, लहराए हम तुम, मुस्कुराए हम तुम।
सपनों की रानी। सपनों की रानी, सपनों के राजा, नाचे गाए हम तुम, लहराए हम तुम, मुस्कुराए हम तुम, आजा बंचिका 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 बम बम बम। अरमान मचल जाएंगे, मिल जाएंगे हम तुम तो हम चिक बम चिक बम चिक बम बम बम। सपनों की रानी, सपनों के राजा, नाचे गाए हम तुम, लहराए हम तुम, मुस्कुराए हम तुम, आजा बम चिक बम चिक बम चिक बम बम। मिस्टर तुम जा सकते हो। मिस्टर, ए मिस्टर, अरे ए मिस्टर दवाई वाला, तुम जा सकते हो। मालूम होता है मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा है। अरे महशू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई वाह, ए भाई, ये हमारा मकान है, तुम आके खोल के सोते हो क्या? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ दफ्तर में सोता हूँ। मगर ये दफ्तर नहीं है और तुम शीला देवी से नहीं मिल सकते। कोई बात नहीं, मैं तो मिल चुका हूँ। मिल चुका हूँ? कहाँ मिल चुके हो? कब मिल चुके हो? नहीं नहीं, मैं तो मिलना चाहता हूँ। लेकिन वो तुमसे नहीं मिल सकती, वो शूटिंग में चली गई है और तुम जा सकते हो। मैंने कहा ना मैं तो मिलना चाहता हूँ, और मैंने कहा ना तुम नहीं मिल सकते। हो, मेरे तो सर में दर्द होने लगा। तो फिर खा लो ना वो तुम्हारी कंपनी की गोली। खा लो खा लो वो गोली। और मैं खाने लगा? मैं अपनी कंपनी की गोली को अच्छी तरह से जानता हूँ, और उसी गोली के लिए तुम्हें इश्तहार चाहिए है। मैं चला। मैं चलूं बाबूजी? अच्छी बात। चलो, अपने घर में टेलीफोन तो आ गया, अब जब चाहे शीला देवी से बात कर सकेंगे ना। हाँ दीदी। तो चलो उद्घाटन हो जाए, शीला दीदी को फोन करेंगे। सुनो जी, पहला फोन मैं करूंगी। दीदी दीदी मुझे करने दो। नहीं नहीं, पहला चुप रहो, पहला फोन मैं करूंगा। देखिए पहली बार टेलीफोन कर रहे हैं, रॉन्ग नंबर मत लगा दीजिएगा। रॉन्ग नंबर मुझे सब पता है। अजी ये क्या घुमा रहे हो? क्यों? पहले ये लो। मैं सब जानता हूँ, मैं तो यूं देख रहा था कि ये अच्छी तरह से घूमता या नहीं। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हें टेलीफोन इतनी जल्दी कैसे मिल गया? हाँ कैसे मिल गया? पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ यही सबब देके मैंने टेलीफोन मांग लिया। हे भगवान, पिताजी की तबीयत को क्या हो गया? पिताजी को शक्कर जाती है, उनका ब्लड प्रेशर बहुत ही बढ़ गया है, अक्सर उन्हें चक्कर आता है, एकदम दुबले बन गए हैं, और न जाने कितने ही बीमारियों ने घर कर रखा है। हेलो हेलो,
ये तो पिताजी की आवाज मालूम होती है। रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर के बच्चे, इधर आ। क्या हो गया मुझे? कुछ नहीं पिताजी, बात यह है कि इसके लिए। इसमें क्या तेरा बाप बैठा है? है क्या कह रहा था? पिताजी को शक्कर जाती है, अक्सर चक्कर आते हैं। मैं चक्कर और क्या कह रहा था? एक झापड़। मुझे आपने अकेले में यहाँ क्यों बुलाया? असल में मुझे संगीत का बहुत शौक है। हाँ, आपको होना चाहिए, आप इतनी बड़ी फिल्म स्टार है, आपको संगीत का, नाचने गाने का शौक होना चाहिए। लेकिन मुझे क्यों बुलाया आपने? आपको मुझे संगीत सिखाना होगा। मैं आपको संगीत सिखाऊं? ये कैसे हो सकता है? क्यों, आप तो संगीत के मास्टर है ना? मास्टर तो हूँ। उस दिन मेरी बीवी ने कह दिया कि मैं प्रिंसिपल हूँ, वो अपनी शान बढ़ाने के लिए कह दिया, उसे माफ कर देना। तो क्या हुआ? आपको संगीत सिखाना मेरी बस की बात नहीं। क्यों? बात दरअसल ये है कि मैंने अपनी पत्नी को वचन दिया है कि किसी लड़की को अकेले में संगीत नहीं सिखाऊंगा। अजीब बात है, मगर ऐसा क्यों? पार्वती मेरी पत्नी है ना, पहले मैं उसे संगीत सिखाया करता था। संगीत सिखाते सिखाते हम दोनों का प्रेम हो गया, उसके बाद हम दोनों ने शादी कर ली। ओह, ये बात है। उस दिन से वो मेरा जरा विश्वास नहीं करती। क्या वो डरती है? जो कोई लड़की आपसे गाना सीखेगी, क्या वो आपसे प्रेम करने लगेगी? बस ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। तो फिर ठीक है, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती। ठहरी ठहरी जी, मैं कैसे आपको बताऊं? मैं आपको ना भी नहीं कहना चाहता। तो फिर ऐसा करें, आप चाहते हैं कि आपके घर में किसी को पता न चले, यही ना? खास करके मेरी पत्नी को। तो बताइए कब शुरू करें? लीजिए अभी शुरू करते। CAT कैट, कैट यानी बिल्ली। RAT रैट, रैट यानी चूहा। RAT रैट, रैट यानी चूहा। MAT मैट, मैट यानी चटाई। MAT मैट, मैट यानी चटाई। CAT कैट, बोलो तो क्या हुआ? कैट यानी, कैट यानी चूहा। क्यों, तुम लोग हंस क्यों रही हो? देखो तो, ताई को इतना भी नहीं पता, कहती है कैट यानी चूहा। ताई, कैट यानी बिल्ली। हाँ हाँ बिल्ली, भागो यहाँ से, जैसे तुम्हारी माँ को ही सब आता है। बड़े अंग्रेज के बच्चे बनते हैं, चलो भागो। रोजी, इनकी माँ को थोड़ी सी अंग्रेजी आती है ना, इसलिए ये लोग इतराते हैं। आज की ताजा खबर, घर में प्राउड शिक्षण। आइए आइए। वाह, कितनी बढ़िया साड़ी है। ये बाजू पर नया है, असली मोती का है ना? आज आपकी शूटिंग नहीं थी क्या? आज पिक्चर का मुहूर्त हुआ, सिर्फ कहानी सुनाई गई। अच्छा, कैसी कहानी है? प्रेम कहानी। तो फिर पानी में नहाने के सीन जरूर होंगे। अच्छा ये तो बताइए, एक पिक्चर में काम करने का आप कितने रुपए लेती हैं? देखिए, हम फिल्म स्टार अपनी उम्र या अपनी कमाई बताना बिल्कुल ठीक नहीं समझते। हाँ हाँ हाँ, तो मैं आपसे अकेले में पूछूंगी, तब बताइएगा। अच्छा, मगर यहाँ हम लोग खड़े क्यों है? आइए आइए, सोफे पर बैठिए। कैसी बुद्धू हूँ मैं, आप हमारे घर आई और मैंने आपको बैठने को भी नहीं कहा। आइए बैठिए। भाई मैं तो सोफे पे बैठे बैठे बिल्कुल थक गई। सच? तो हम लोग जमीन पर ही बैठेंगे, मैं अभी जाकर मैट ले आती हूँ। मैट? मैट नाना, जमीन पर बैठना आपकी शान के खिलाफ है। सीता जी, हम लोग सोफे पे तो पैदा नहीं हुए। ये रही मैट, हमारे घर तो रैट का बड़ा उधम है, जहाँ देखो रैट रैट रैट। सच? हाँ, मैं सोच रही हूँ रैट को पकड़ने के लिए घर में एक कैट पालूं। कैट? क्यों जी, रैट को पकड़ने के लिए क्या कैट का रखना जरूरी है? एक ट्रैप रख लें तो काफी नहीं होगा? ट्रैप? ट्रैप मतलब? ट्रैप यानी पिंजरा। आपकी तारीफ। ये शीला दीदी का मकान है ना? जी हाँ, फरमाइए। ऐसे उनके पास और कितने मकान हैं? पहले आप ये बताइए कि आप हैं कौन? क्यों जी, शीला दीदी के पास बैंक में कितना पैसा होगा? 15-20 लाख रुपया। आप जो ये हिसाब किताब पूछ रहे हैं, पहले आप ये तो बताइए कि आप हैं कौन? अरे ये पूछने का मुझे पूरा हक है साहब, मैं शीला देवी को अच्छी तरह से जानता हूँ। जानते होंगे, जानते होंगे। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आप इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं? इस वक्त? जी हाँ, इस वक्त मैं आ रहा हूँ इनकम टैक्स ऑफिस। कोट पैंट टाई, ऊपर से हाथ में फाइल, जरूर कोई इनकम टैक्स ऑफिसर है। अह
प्लीज क्या मैं शीला देवी से मिल सकता हूँ? अजी जरूर मिल सकते हैं, वो अभी आ रही है। मैं शीला देवी का सेक्रेटरी हूँ, आप जो चाहे मुझसे बात कर सकते हैं। एक्सक्यूज थैंक यू वेरी मच। कश्मीरी हूँ। केला 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 लेकिन ये सब क्या है? आपके लिए है, एक आदमी के लिए इतनी सारी चीजें। हाँ, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। सोचा तो हमने भी नहीं था, मगर यहाँ आने वाले हर आदमी के लिए इतनी सारी चीजें देंगे तो क्या होगा? मेहमान नवाज ही है ना, हम लोग जो कुछ कमाते हैं इसी में हो जाता है। एक फूटी कौड़ी भी नहीं बचती। आप कुछ बात करना चाहते हैं? अच्छा 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 बोली बोली। बात तो ये है कि क्या मुझे पिक्चर में काम करने के लिए एक चांस मिलेगा? पिक्चर में चांस? कदम आई से चाय मैं पी लूंगा। अच्छा अब ये बताओ कि तुम हो कौन? मैं हाईकोर्ट में काम करता हूँ, क्लर्क हूँ जी। क्लर्क हूँ जी? तुम तो कह रहे थे कि मैं इनकम टैक्स ऑफिस से सीधा आ रहा हूँ। आपने पूछा था कि अभी कहाँ से आ रहा हूँ? एक दोस्त को मिलने के लिए इनकम टैक्स ऑफिस में गया था, सीधा वहीं से आ रहा हूँ, इसलिए कह दिया कि इनकम टैक्स ऑफिस में से आ रहा हूँ। अजीब कार्टून आदमी हो तुम, एक मिनट के लिए तुमने मुझे डराई दिया था। मैं बाजू वाले मकान में रहता हूँ। बाजू वाले मकान में? हाँ। माला आपकी कौन होती है? बहन की पत्नी है। अब पत्नी की बहन साली। साली? हाँ। बैठिए ना, आप मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप मुझे पहले क्यों नहीं पूछा? ओह यस। भाग्य बात है साहब, यहाँ का स्वागत करने का ढंग मिनट मिनट बदल रहा है। क्या बड़े घरों में ऐसा ही होता है? अजी वो क्या, छोड़िए। देखिए मिस्टर, जिंदगी में मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, तमन्ना है, कम से कम एक पिक्चर में मैं अपना एक चेहरा दिखाना चाहता हूँ, और इस मामले में सिर्फ शीला देवी ही मेरी मदद कर सकती है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। थैंक यू थैंक यू। लेकिन कब? जल्दी साहब, आप इंतजार तो करिए, इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है। थैंक यू, वेलकम। हम सबको यहाँ बिठाकर बहुरानी कहाँ चली गई? भगवान जाने कब आएगी। 9 बजे मौसम्बी का जूस और फिर दोपहर तक कुछ नहीं। सुना है आप दुबले होने के लिए कोई गोलियाँ लेती है, वो खाने से पहले लेती है या खाने के बाद? क्या वो गोलियाँ ही खाना बन जाती हैं? हाय हाय हाय, गजब है। आओ आओ बरकुरदार, आओ आओ, खड़े क्यों हो गए? थाली उठाओ और यहाँ बैठ जाओ। अरे आप लोग को यहाँ बिठाकर वो महारानी टेलीफोन किसको कर रही है? ये किससे पूछ रहे हो तुम? आप लोग यहाँ कितनी देर से बैठे हुए? ज्यादा नहीं, ये कोई 60 मिनट हुए होंगे। 60 मिनट? देखिए अब मैं क्या करता। आहिस्ता बोल, कहीं सुन लेगी। मैं उसे वो बता चकाता हूँ। अच्छा वो बताइए। पार्वती, ओ पार्वती, वो लोग थाली में बैठे इंतजार कर रहे हैं। पता है, मैं ही तो उन्हें बिठा कर आई थी, बड़ी जरूरी बात कर रही है शीला देवी से। हाँ अच्छा बोलिए ना भाई। अब खाने का और इंतजार नहीं करेंगे, नहीं तो खाना हमें हजम कर जाएगा। ला ला अपनी अपनी थाली ला बिटिया, सबको परोस दो, सबको परोस दो, शाबाश। क्या कहानी के अंदर 3-3 लड़के आपसे प्रेम करते हैं? फिर तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो गया। कौन जाने आप किसे चुनेंगे। कहानी बड़ी अच्छी है। अच्छा कल मिलेंगे। हाँ अरे बात तो करने दो। अरे क्या बात करने दो, पिताजी कब से थाली के पास बैठे हैं, जल्दी चलो। चिंता ना करो बेटे, हमने खा लिया, बड़े मुन्नी ने परोस दिया था। आज क्या दिन है बेटे? आज शुक्रवार है। शुक्रवार तुम्हारे यहाँ खाता हूँ ना, सो खा लिया, बस यही कहने आया था। जीते रहो। दीदी दीदी क्या है रे? आज शाम को हमारे कॉलेज में मेरा डांस प्रोग्राम होने वाला है। हाँ हाँ मुझे पता है। तुम्हें पता नहीं दीदी, प्रोग्राम देखने तो शीला देवी भी आ रही है। शीला देवी? हाँ सच? हाँ बड़े दीदी, अभी अभी मैं उन्हीं के घर से आई हूँ, सारा इंतजाम कर लिया है मैंने। अच्छा दीदी आप लोग भी आएंगी ना? कहाँ बुला रही है माला तुम दोनों को? उसका नाच देखने शीला देवी भी आ रही है। ओही माँ हम भी चलेंगे दीदी। क्या पूछ रही हो तुम, बगैर हमारे आए शीला देवी थोड़े ही आ सकती है? सच तो है। चांदी की
बहुरानियों को सांस लेने की फुर्सत नहीं, सारा दिन शूटिंग, शाम को मीटिंग, जुहू पर बोटिंग, होटल में ईटिंग। आजकल इन तीनों महारानियों को इतनी फुर्सत नहीं कि अपने बच्चों को नहला ही दें, न जाने कहां गई हैं सब। अरे क्या बात है बच्चों, क्यों गुगलू गुगलू सब एक साथ लाइन लगाए खड़े हो? आज पहली तारीख है ना दादाजी, हमें चॉकलेट मिलेंगे, मिठाई मिलेगी। तुम्हें चॉकलेट मिलेंगे, मिठाई मिलेगी, जानते हो मुझे क्या मिलेगा? क्या? नोटों की गठियां। जब मेरे बेटे आएंगे अभी सब तनख्वाहें यहाँ ढेर कर देंगे, इसीलिए संदूक रखा है, ये कलम, ये रजिस्टर और ये चश्मा। बस अब आते ही होंगे। क्या चॉकलेट? ऐसा दादे, पहली तारीख है, कहाँ है तुम्हारी तनख्वाह? है भैया ने लाया? नहीं लाया चाचा जी। ओहो फिक्र मत करना, कल लेके आता हूँ, इतने सारे लेके आता हूँ। पिताजी आओ बेटे आओ। ठहरिए पिताजी, गिन के देता। जरूर जरूर गिन के ही देना चाहिए। अरे ये क्या, ये तो कम है। कम है? हाँ, तो फिर बाकी के कहाँ गए? यहाँ तो नहीं गिरे। नहीं नहीं ठहरिए पिताजी, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ पिताजी। बीबी का गुलाम। क्या बात है पिताजी, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। अरे ये क्या, संदूक खाली? क्या मेरे भाइयों ने अपनी तनख्वाह नहीं दी आपको? सबसे बड़ा सबसे खरा निकला, सीधा आया सीधा अंदर चला गया, उसके बाद मझला आया, चिकनी चुपड़ी बातें तो बहुत की लेकिन बिना कुछ दिए लिए वो भी सीधा चला गया। अब तू सबसे छोटा आया है, तू क्या करेगा राम जाने। पिताजी हमेशा सबसे छोटा बेटा ही बाप के काम आता है। मैं जानता हूँ बेटे, मैं जानता हूँ, भगवान तेरा भला करे, लंबी उम्र हो तेरी। चेक है क्या? माफ कीजिएगा। राधा आओ 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 आओ, अपने पाँव दो। क्यों क्यों? जूते निकालती हूँ। अरे नहीं नहीं छोड़ो भाई। रहने दो ना, अगर मैं ये सब नहीं करूंगी तो फिर कौन करेगा? दो। बाप रे, गिर पड़ी तू? कहीं चोट तो नहीं आई? मुझे माफ कर दो। माफ कर दिया। सुनो मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। हाँ हाँ तुम लोग आज एक दिन तो इंतजार करोगी ही, आज पहली तारीख जो है। तो क्या मैं और दिन इंतजार नहीं करती? करती हो मगर इतनी उतावली नहीं होती। पहली तारीख के बाद बाकी दिन हमें इंतजार करना पड़ता है खाने के लिए। जानते हो पिताजी को चकमा देकर तुम्हारे यहाँ पहुँचने तक मेरी तो जान सूख गई थी। अच्छा लाओ अपनी तनख्वाह लाओ, दो ना। हाँ हाँ तनख्वाह लाओ, बेचारा पति थका मांदा घर लौट के आया है, उसे एक कप चाय पूछती नहीं और कह रही है तनख्वाह दो। अच्छा बोलो क्या चाहिए तुम्हें, चाय या कॉफी? बस काफी काफी है। कॉफी देती हूँ देती हूँ देती हूँ देती हूँ देती हूँ देती हूँ, कॉफी क्या चल के यहाँ पे आ जाएगी? या मैं तनख्वाह दूंगा तब कॉफी दोगी? तो ऐसे ही समझो, लाओ ना तनख्वाह लाओ ना। अच्छा अच्छा देता हूँ, मुझे मस्का लगाने की जरूरत नहीं। ये लो सारी तनख्वाह पिताजी से छिपा के तुम्हें लाके दे रहा हूँ, अब इसे सारे दिन में उड़ा दो। लिफाफा इतना हल्का, सब सोचो के नोट है क्या? लिफाफा तुम्हारे हाथ में, खोल के देख लो। खोल रही हूँ मैं, चला। ये क्या? एक रुपया आठ आने वन एट। तो ये है तनख्वाह? हाँ। बाकी खर्च बिना मेरे जाने कहाँ खर्च कर दिए? वो तो मेरे बिना जाने ही खर्च हो गए। तो ये अपने पिताजी को ही दे देते। राधा ये तुम क्या कह रही हो, क्या मैं ये वन एट पिताजी को दूंगा? वो क्या मजदूर है? तो क्या मैं मजदूर हूँ? राधा क्या
क्यों दादाजी, आपने अभी तक खाना नहीं खाया? नहीं बेटी। क्यों नहीं खाया आपने? किसी ने बुलाया नहीं, इसीलिए मैंने खाया नहीं। अब जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं दादाजी? घर में कोई नहीं, सब घूमने गए हैं। तो मैं भी जरा घूम आता हूँ, किसी होटल तक। होटल? हे राम। बेचारे दादाजी, आज किसी ने उन्हें खाने को नहीं कहा, तो होटल में खाना पड़ा। दीदी, दीदी जरा मुझे 10 रुपए उधार दे दो। 10 रुपए? और मेरे पास फर्नीचर का किराया, साड़ी की दुकान की किस्त, लोगों का कर्जा, ये सब देने के बाद तनख्वाह तो 3 तारीख तक ही खत्म हो जाती है। तुम्हारा तो 3 तारीख तक भी चलता है दीदी, हमारे यहाँ तो 1 तारीख को ही सब साफ हो जाता है। वाह, 300 रुपए तनख्वाह वाली ऐसा कह रही है? नाम के ही है 300 रुपए, हाथ में तो सिर्फ 1.5 रुपए आता है। कर्ज लिए रुपयों का ब्याज कौन देगा? उन तमाम चीजों की इंस्टॉलमेंट कौन देगा जो हम बिना सोचे समझे बाजार से खरीद लाएं? हाँ हाँ, यहाँ भी सारी तनख्वाह तो इंस्टॉलमेंट में ही चौपट हो जाती है, दूसरे जरूरी चीजों के लिए कौड़ी नहीं बच। हमारे यहाँ भी यही हाल है। पार्वती दीदी से मांग कर देखो ना। बड़ी दीदी से? मैंने तो तुमसे 10 रुपए मांगे, वो मुझसे 5 रुपए मांग रही थी, अभी कुछ देर हुए। हेलो, मैं शंकर बोल रहा हूँ। जी हाँ, आपका कर्जदार शंकर लाल। ओहो, हाँ जरूर जरूर साहब, आपके रेडियो का इंस्टॉलमेंट जरूर आपको मिल जाएगा। क्यों दौड़ा रहे आप? नहीं क्यों, अरे क्या कहा? मैं बात तोड़ देंगे आप, मैं बेशरम हूँ। क्या बोल रहे साहब आप? देखिए, अगर आप मेरे सामने होते तो मेरी शक्ल देखते आप शर्म के मारे जमीन पे गिरी जा रही है। आपको तो पता है साहब, सबको पता है कि अब तक मैं अपने बाप का कर्जा चुकाते आ रहा हूँ, जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा ना तो वो मेरा कर्जा चुकाएगा। अरे दीदे, फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है? जा इसे ले जा, कहीं गिरवी रखकर 100 रुपए ले आ, और देख बड़े मालिक को पता ना चले। खड़ा क्यों है, जा ना। अरे ऐसे लहरा क्यों रहा है? जी कुछ नहीं। कुछ नहीं, फिर यूं मचलता क्यों है? कमर में दर्द है क्या? जी यूं ही। इस कपड़े में क्या छुपा रखा है? जी कुछ नहीं बाबूजी। निकाल निकाल बाहर। कुछ नहीं। तो इसका नाम कुछ नहीं है, चोरी करके ले जा रहा था। नहीं नहीं मालिक, छोटी बहू ने दिया है गिरवी रखने को। छोटी बहू ने दिया है गिरवी रखने को? जी हाँ। आ मेरे साथ। क्या कहा था, कितने में गिरवी रखना? उन्होंने कहा जो कुछ मिल जाए ले आना। तो मैं तुझे 50 रुपए देता हूँ। कम से कम 100 तो दीजिए। बुद्धू साहूकार तुझके आधे भी न दे। और देख, किसी से कहना नहीं कि तुमने मुझे दिया, रुपए मुझसे लिए, नहीं तो वो फिटनेस होगी कि नानी याद आ जाएगी। और हाँ, घर में से कोई भी तुम्हें कोई चीज दे कि गिरवी रखे आओ या बेच आओ, मेरे पास ले आओ, पैसे मुझसे ले जाओ, याद रहेगा? ठीक है बाबूजी। शाबाश। हेलो हेलो, नहीं जी वो बाहर गए जी। हाँ शंकर लाल जी, वो मेरे पति है, आज बाजार गए हैं। हाँ वो आएंगे तो मैं उनको बोलूंगी आपको टेलीफोन करने के लिए। अच्छा नमस्ते। शंकर लाल नहीं है, बाहर गया है, रॉन्ग नंबर, नमस्ते। ए नथु, इसे कहीं ले जाकर बेच दे और रुपए ले आ। बहुजी ये तो चांदी की थाली है। तो मैंने कब कहा कि पीतल की प्याली है, जा ले जा। ये किसने दिया भाई? बड़ी बहू ने बाबूजी। बेचने को कहा या गिरवी रखने को? जी बेचने को ही कहा। बेचने को कहा है, बहुत अच्छे, कोई झंझट ही नहीं, गिरवी रखे तो फिर छुड़ाना भी तो पड़ता है। आमदनी 98।
खर्चा रुपया नतीजा न पूछो मेरे लाल, नतीजा ठन ठन गोपाल। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया भैया ना पूछो हाथ नतीजा ठन ठन गोपाल नतीजा ठन ठन गोपाल जो कुछ अपने पास है बच्चों उसे काम चलाओ जो कुछ अपने पास है मम्मी उससे काम चलाओ मम्मी उससे काम चलाओ तुम हो बच्चे अकल के कच्चे हमको ना समझाओ जाओ हमको ना समझाओ बोलो बोलो अब क्या बोले जो कुछ नहीं है उसकी खातिर जो है वो ना खोना जो कुछ नहीं है उसकी खातिर जो है वो ना खोना देखो जो है वो ना खोना चू 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 चिड़िया चुप के खेत तो फिर ना रोना मम्मी वो फिर ना रोना मम्मी वो फिर ना रोना चार कमाए आठ लगाए चार कमाए आठ लगाए बाप कन्हैया लाल नतीजा ठन ठन गोपाल नतीजा ठन ठन गोपाल आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया भैया ना पूछो हाथ नतीजा ठन ठन गोपाल नतीजा ठन ठन गोपाल हर जो चीज चमकती है उसको सोना नहीं कहते उसको सोना नहीं कहते आप पिताजी बूढ़े हो गए फैशन कैसे भाए बाबू फैशन कैसे भाए रंग गधे को कर लो तो क्या बन जाती है गाय बोलो बन जाती है गाय डैडी ये 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 डैडी ये ये हमको भाए अरे हलवा पूरी हमको भाए हलवा पूरी आपको रोटी दाल नतीजा ठन ठन गोपाल नतीजा ठन ठन गोपाल आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया भैया ना पूछो हाल नतीजा ठन ठन गोपाल नतीजा ठन ठन गोपाल जो होगा देखा जाएगा दो दिन मौज उड़ा ले दो दिन मौज उड़ा ले घर में बिजली ना हो तो क्या घर को आग लगा ले बोलो घर को आग लगा ले बोलो बोलो चुप क्यों हो गए तुम क्या जानो बापू दुनिया बदले शाम सवेरे दुनिया बदले शाम सवेरे मैं हूँ बाप तुम्हारा बेटा या तुम बाप हो मेरे बोलो क्या तुम बाप हो मेरे भूला भूला कहाँ भूला कहाँ भूला अपनी जान चला जो हंस की जान नतीजा ठन
नमस्ते सेक्रेटरी साहब। ओहो नमस्ते मास्टर जी, आइए आइए। मैं संगीत सिखाने आया हूँ, जरा शीला देवी को खबर कर दीजिए। ओहो स्टूडियो से फोन आया था, अभी 10 मिनट में आने वाली। कोई बात नहीं, मैं घंटा भर इंतजार करूंगा। अगर पार्वती ने पूछा कि देर क्यों हो गई तो कह दूंगा कॉलेज में देर हो गई। अरे ये तो मेरे भाई की आवाज है। जी आपके भाई की आवाज है। अरे ये यहाँ कैसे आ गया? इसने अगर मुझे देख लिया तो गजब हो जाएगा। आप मुझे कहीं छुपा दीजिए ना। अब आपको छुपाना भी पड़ेगा। अच्छा तो आप ऐसा करिए कि आप उस सोफे के पीछे छुप जाइए। शुक्रिया। इट्स ऑल राइट। महेश, महेश। यस। नमस्ते महेश। नमस्ते। शीला जी कहाँ है? वो अभी आती है 10 मिनट में। जानते हो महेश, मेरे दिल में कितनी ख्वाहिश है, कितने अरमान भरे हुए हैं, ढेर की ढेर। क्यों मिस्टर, वो जो तुम्हारे बड़े भाई है ना संगीत मास्टर, क्या उनको मालूम है कि तुम यहाँ आए हो? नहीं भाई नहीं, अगर मेरे घर में किसी को पता चल गया कि मैं यहाँ आता हूँ तो मेरी तो छुट्टी हो जाएगी। अच्छा देखो महेश, माना कि मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ, लेकिन क्या करूँ, इस मुलायम दिल को कैसे समझाऊं। बस अब शीला देवी ही मेरा बेड़ा पार कर सकती है। बताओ कब आई हो? आ जाएगी आ जाएंगी। महेश। ओ कन्हैया। कन्हैया मैं छोटा भाई। छोटा भाई बस मैं मर गया। अब मैं क्या करूँ? आप भी छुप जाइए ना। कहाँ? उस सोफे के पीछे। ये चोर यहाँ क्यों आ गया? अरे मैं चश्मा, मैं चश्मा। अरे हाँ चलो। अरे महेश। महेशू क्या है? क्या है? ठीक ठीक। मैंने कहा देवी जी है। कौन देवी जी? अरे शीला देवी। और कौन सी देवी? ओ है घर पे, शूटिंग पे गई है, देर से आएंगे फिर मिलेंगे। तो आप मुझे भगाना चाहते हैं? मुझे कोई काम वाम तो है नहीं, मैं तो आज शीला देवी से दिल खोल के बात करूंगा तभी जाऊंगा। ठीक है ना महेशु? ठीक है। एक और जो सोफा पड़ा हुआ है। क्यों भाई महेशु, तुम कैसे हो? ठीक हूँ कन्नू। आहा रहने दो। ये सेव मैं शीला देवी को अपने हाथों से दूंगा ताकि उनको मेरे दिल की भावना का पता तो लगे। अच्छा कन्नू, अगर तुम्हारे भाइयों को ये मालूम हो जाए कि तुम शीला देवी से मिलने यहाँ आते हो, उनके लिए सेव लाते हो, तो वो कोई भाई है? बेवकूफ है, महा बेवकूफ। ये नहीं सोचेंगे छोटा भाई प्यार से चार फल लाता है, बल्कि उल्टा सीधा समझकर सारे शहर भर में मेरी बदनामी का ढिंढोरा पीट देंगे। देवी जी कब आएंगे? अभी आते हैं। अच्छा अगर तुम्हारे पिताजी पिताजी अगर बापरे मेरे भाई लोग ही हैं। जी हाँ, इसीलिए पूछ रहा था कि क्या तुम्हारे पिताजी भी आने वाले, लेकिन तुमने तो सारा घर सर पे उठा लिया। बैठ जाइए बैठ जाइए। बैठ जाइए। शुक्रिया, आप भी बैठ जाइए। मैं? हाँ क्यों? बहुत शुक्रिया, तुम दोनों का फोटो इसमें है, मैं चलता। देखो सावधानी से रखना, अपनी सहेली कमला से उधार मांग कर लाई हूँ। मुझे पता है दीदी, उधार मांग कर लाऊ मैं और पहनकर घूमेंगी ये। कमला भी शहर में नहीं है, नहीं तो उसका ये हार लौटा देती उसे। ताई चिट्ठी आई है। तीनों में से एक का पति सिनेमा स्टार शीला देवी के पीछे दीवाना है, दोनों में गहरा संबंध है, अगर मामला और आगे बढ़ा तो सर्वनाश हो जाएगा, इसलिए जरूरी है उसे यही रोक दिया जाए। सत्यवादी। राधा, तू राधा के लिए है ये चिट्ठी, मैं बच गई। राधा? राधा? हाँ दीदी। लो ये तुम्हारे नाम चिट्ठी है। बच्चे ने गलती से मुझे दे दी और गलती से मैंने खो दी, मगर पढ़ी नहीं मैंने। मेरे लिए? हाँ हाँ तुम्हारे ही लिए है। मुझे कोई ऐसी चिट्ठी क्यों लिखने लगा? दीदी गलती से तुम्हारे नाम की चिट्ठी मेरे पास आ गई,
ये लो, मेरे नाम भी आई है। हाँ, सत्यवादी ने लिखी है। हे भगवान, ये चिट्ठी तो हूबहू इसकी नकल है। तो तुमने पढ़ ली? मैंने नहीं पढ़ी। क्यों, हंस क्यों रही हो? तुम्हारे नाम की चिट्ठी यहाँ है, ये लो। मैंने दी थी? हाँ। एक एक नकल सबको आई है, लेकिन अदला बदली होकर आई है। राधा, दीदी, सीता, दीदी, ये कैसी बिजली टूट पड़ी हम पर। इसकी बात यहाँ मत करो। हाँ, गुमनामी चिट्ठी की बात यहाँ मत करो, दीवारों के भी कान होते हैं। चलो ऊपर चलो, चलो। किसने लिखी होगी ये चिट्ठी? इसमें जो कुछ लिखा है क्या वो सच होगा? लिखने वाले का नाम ही सत्यवादी है। अरे बिना आग के कहीं धुआं उठा है? हम में से एक के पति और उस शीला देवी के बीच जरूर कोई मामला है। तो फिर पति का नाम यह सत्यवादी साफ साफ क्यों नहीं बताता? धीरे बोलो, अब साफ साफ कितनी बातें कहेगा? जो कहना था इशारे में कह दिया। आगे हमें ही पता लगाना होगा। शीला देवी हमारे साथ ऐसा विश्वासघात करेगी? मेरा जीना मेरे पड़ोसी ने, मेरे पड़ोसी ने। तुम पूछ रही थी क्या शीला देवी हमसे विश्वासघात करेगी? अब सुन लिया? लूट निंदिया ये दिल छीना, किया मुश्किल मेरा जीना मेरे पड़ोसी ने। अब और क्या चाहिए? वो तो किसी सिनेमा का गाना होगा। गा रही थी। अभी क्यों गा रही थी? ताकि हम लोग सुने, सुनकर समझे और समझकर जले। हाँ, यही बात होगी। अब हम कैसे पता लगाएं कि किसका पति है वो? हम लोग शीला देवी से ही साफ साफ क्यों ना पूछें? उससे साफ साफ पूछोगी तो क्या वो साफ साफ जवाब देगी? तो अपने अपने पतियों से ही पूछेंगे। अरे मूर्ख, हमारे पतियों में से किसी को भी इसकी खबर नहीं होनी चाहिए, और बिना उनके जाने हमें चाहिए उन्हीं से सारी बातें निकालने। चोर को तो चोरी से पकड़ना चाहिए। हाँ, चोरी से पकड़ना चाहिए। क्या बात है पिताजी? सुनिए तो, माँ बहुत नाराज है। क्यों? माँ ने मुझे मारा। माँ ने मुझे भी मारा। अरे बाप रे। अच्छा, तुम्हें बाद में आता। बाद में भी यही होगा। माँ तो सुबह से नाराज है पिताजी। सुबह से? तो घबरा मत, मैं सब ठीक कर देता। पार्वती, 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 हमारी शादी कैसे हुई? सात फेरे लगा के। हाँ हाँ, सात नहीं तो क्या 70 फेरे लगाते हैं। हम लोगों ने पहले प्यार किया फिर शादी की, है कि नहीं? हाँ, पहले प्यार किया फिर शादी की। प्यार कैसे किया? जैसे सब लोग करते हैं। कैसे? ये क्या सवाल पूछती हो पार्वती? कैसे? संगीत, संगीत ट्यूशन। तुम्हें पता चल गया? भूल गए तुम? तुम मुझे संगीत सिखाते थे कि नहीं? वो बात है, संगीत सिखाते सिखाते तुम प्रेम का राग आलापने लगे। याद है वो गाना गाया करते थे, तुमने मुझको प्रेम सिखाया। अब बताओ प्रेम का क्या मतलब हुआ? मुझसे पूछ रही हो? अरे मैंने तुमको प्रेम सिखाया। जो पूछती हूँ उसका जवाब दो। प्रेम करने के बाद शादी की तुमने, अब शादी के बाद तुम्हारा ऐसा करना ठीक है? मैंने क्या किया, क्या किया मैंने? आजकल मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती, इसलिए तुम ऐसी हरकतें करते हो जो मुझे अच्छी नहीं लगती। पार्वती, तुम्हारी खींची हुई लक्ष्मण रेखा मैंने कभी पार की है? बहुरानी, ये भी पूछो, आगे चल के तो पार नहीं करेगा, पूछो। पूछने की क्या जरूरत है, अभी खींचती हूँ लकीर। पीछे पीछे और पीछे। अगर ये सच है कि तुमने कोई गलती नहीं की तो दिन भर इस लकीर के अंदर खड़े रहो, मैं आकर देखती रहूंगी। हाँ। क्यों रे, क्या देखा? मुबारक हो भैया, मुबारक हो। अब तक सिर्फ सुना ही था कि पत्नी की खींची हुई रेखा को पति लांग नहीं सकता, पर आज खुद मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। तुम चाहते क्या हो? कुछ नहीं, मैं आपका तमाशा देख रहा हूँ। तमाशा देख रहे हो? मैं यहाँ मुसीबत में, तुम मेरा तमाशा देख रहे हो? चले जाओ यहाँ से। चला जाऊँ? तो ऐसा करिए, मुझे 50 रुपए चाहिए। मेरे पास नहीं है। नहीं है? तो मेरे पास है ये फोटो। उस दिन शीला देवी के मकान पर आप सोफे के पीछे छिपे हुए थे ना, तभी मैंने ये फोटो लिया। कितना अच्छा फोटो है, मेरा मुंह बहुत अच्छा आया। ला मुझे दे। अभी दे, तू क्या करेगा इसे? मैं क्या करूंगा बताऊं?
भाभी उसको क्यों बुला रहा है? वो मारे गुस्से की मुझे लकीर में बंद कर दी है, ये फोटो देखेगी तो मुझे पिंजरे में बंद कर देगी। अगर आपको पिंजरे से बचना है तो मुझे 50 रुपए दे दीजिए। अरे कह दिया ना तुझे कि 50 रुपए नहीं है। कोई बात नहीं, 25 दे दीजिए। अजीब आदमी है, 25 भी नहीं है। ठीक है, 10 ही चलेगा। अरे मेरे पास सिर्फ 5 ही रुपये है, वो भी बस में आने जाने के लिए रखे है मैंने। 5? हाँ, मैं नहीं मानता, दिखाओ मुझे। दिखाओ, 5 रुपए की नोट नहीं देखा कभी? अजीब आदमी है ये, देखिए। अरे इसे कहते हैं 5 रुपए की नोट। थैंक यू। अबे अब आना जाना पैदल ही कर लेना। अबे फोटो तो देता जा। अगर मैं फोटो आपको दे दूंगा तो आपके पास पैसे मांगने बार बार कैसे आऊंगा? इसका मतलब है तू मुझे ब्लैकमेल कर रहा है? तो क्या मैं आपको बॉम्बे मेल करूं? देख मारूंगा तुझे। हाँ हाँ, मारोगे कैसे? लकीर से बाहर निकलोगे तब ना। तुम समझते हो अगर तुमने खाना नहीं पकाया तो मैं भूखा रह जाऊंगा? अरे अरे मैं खुद अपने हाथ से खाना पकाऊंगा, खुद खाऊंगा और तुम्हें तुम्हें भूखा रखूंगा। हाँ तुमने तुम्हें क्या रखा है मुझे? पहले जब कभी मैं ऑफिस से लौट के घर वापस आया करता था, बड़े प्यार से पूछते क्या लोगे जी, चाय पियोगे, लस्सी लोगे, मठरी बना दूं, न जाने क्या हो गया, सीधे मुझसे बात भी नहीं करती। तुम समझते हो मुझे खाना पकाना नहीं आता? हाँ समझते हो ना? तो देख रोटी तो बना रहा हूं, अब दाल बनाऊंगा, आलू की सब्जी बनाऊंगा असली घी में, और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अरे कुछ नहीं मिलेगा, तड़पती रहोगी। मैं खाता जाऊंगा और अरे ये क्या हो गया, ये तो जल के कोयला हो गई। अभी तो कोयला ही हुई है, थोड़ी देर और रहने दो तवे पे, राख हो जाएगी राख, फिर फांक लेना। कहां फांक लूंगा, तुम घर में लेके बैठी रहो, तुम कोई आवत हो, चुड़ैल हो, चुड़ैल। राधा राधा। अरे 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 ये क्या सुन रही हो मुझे, जैसे पुलिस के एलिगेशन कुत्ते सुनते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि सच बात क्या है। सच बात? न मैंने चोरी की है, न डाका डाला है, न मैंने किसी का खून किया है। ये बात नहीं। तो फिर बात क्या है? वो मैं नहीं बताऊंगी, मगर तुम्हें सच बात बतानी ही होगी। कमाल है, न बोलती हो हुआ क्या है और सच जानना चाहती हो। हाँ तो ठीक है, जो तुम्हारे दिल में है वही सच है। हाँ तो फिर तुम ही हो? हाँ मैं ही तो हूँ। अरे रोने क्यों लगी? तो फिर मैं नहीं हूँ, नहीं हूँ। तो फिर क्यों कहा कि तुम ही हो? मुझे क्या पता था तुम रोने लगोगी, इसलिए मैंने कह दिया। और मैं रोने लगी तो मुकर गए? हाँ तुमने मुझसे एक बात छुपा के रखी है। कौन सी बात? तुम खुद नहीं बताओगे, अभी बताती हूँ। आज तुम कहाँ कहाँ गए थे? आज सुबह मैं नहाने के लिए बाथरूम में गया, और उसके बाद खाने के लिए चौके में गया, और फिर आखिर और फिर मैं दफ्तर में इधर से उधर फिर रहा। तुम बात बनाने की कोशिश कर रहे हो, सीधी तरह असली बात बता दो। असली बात? हाँ। शीला देवी, वाह वाह वाह, क्या लटकी हुई है, क्या फिल्मी चेहरा है, इनके गाल ऐसे हैं जैसे गुलाब जामुन। तस्वीर को क्यों तक रहे हो? तकने लायक तस्वीर है इसलिए मैं तक रहा हूँ। अच्छा अब देखो। राम 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 राम। अरे इतनी सुंदर तस्वीर तोड़ डाली। जैसे बड़ी सुंदर है शीला। इसमें कोई शक है क्या? सब बनावटी सुंदरता है। बनावटी? भाई हमें तो मालूम नहीं था। पिताजी जरा दादा को समझाइए, सुबह से मेरे पीछे पड़िए, मेरी मदद कीजिए ना। माफ कीजिएगा पिताजी, आपने बुलाया मुझे? कहाँ जा रहे हो? क्यों दीदी, कुछ पता लगा? कुछ नहीं, मैंने भी उनसे इतनी पूछताछ की मगर और मैंने तो उनकी तलाशी तक ली मगर कुछ नहीं निकला, यहाँ तक कि उन्हें सूंघ कर भी देखा। ओहो शीला देवी जो सेंट लगाती है कहीं उसकी खुशबू ना आ रही हो, यही ना? हाँ हाँ हाँ, चिट्ठी में लिखा तो है कि दोनों में गहरा संबंध है। बदतमीज बदतमीज कहीं का, अगर मुझे मिल जाए तो 2 चाटे लगाऊं। किसको दीदी? अरे उसी को, उस सत्यवादी को, गुमनामी चिट्ठी लिखता है, गुमनामी। उस उल्लू ने चिट्ठी तो लिखी, क्या अपना पता ठिकाना नहीं लिख सकता था? उस पते पर सीधे जाकर हम पूछ तो सकते थे। ठीक तो है। अरे छोड़ो ना इन बातों को, मतलब की बात करो, ये कब जाते होंगे वहाँ, कौन जाता होगा? यही सवाल है, दफ्तर जाने का बहाना करके वहाँ तो नहीं जाते ना। कल सारा दिन छत पर खड़ी हुई मैं तक तकी लगाए उसके घर को देख रही थी, मगर ना कोई आया ना कोई गया। तुम जाओ दीदी, मैं मान लेती हूँ सारे बर्तन। और नहीं तो क्या, जाओ जाओ कहो तो जाती ही नहीं, क्या ये काम हम लोग नहीं कर सकते? ठीक है कोई बात नहीं। वाह 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 वाह, क्या दृश्य है, ये घर की लक्ष्मियाँ तीनों बहुरानियाँ एक साथ बर्तन घिस रही हैं। क्यों जी, ये तुम लोग बर्तन कब से मांजने लगे? क्यों, बर्तन मांजने में क्या बुराई है?
नहीं नहीं कोई बुराई नहीं, बहुत बड़ा काम है ये, मैंने तो बहुत दिनों में ये दृश्य देखा है इसीलिए कह दिया। हाँ एक बात है, कहीं उसने तुम्हें देख लिया तो? किसने? वही शीला। शीला? शीला देखेगी तो देखा करे, उसमें क्या, हम अपने घर का काम कर रहे हैं। हाँ शाबाश, अपने घर का काम कर रहे हैं, शाबाश शाबाश। शीला देख लेगी, शीला देख लेगी। देखो ना आजकल ये भी शीला देवी का नाम जपने लगे। उनकी बात छोड़ो, पहले ये बताओ अब हमें क्या करना चाहिए? अगर ये दिन को नहीं जाते हैं तो क्या रात को जाया करते हैं? हाँ ऐसे ही होगा। हम रात को भी देखें तो? आज ही रात को देखेंगे। ठीक है, आज रात को हम तीनों चुपचाप बैठक के कमरे में अलमारी की आड़ में छिपी खड़ी रहेंगी और देखेंगे कि कौन घर से बाहर जाता है। हाँ देखेंगे। 11 बजे। कोट क्या बढ़िया कोट है, पहन क्यों नहीं? पेन पार्कर पेन, चलो लेने दो। जल्दी एक गोली ले आओ मेरे लिए। गोली पता नहीं वहाँ है भी या नहीं। ओहो कहाँ नहीं जाता। चिल्लाओ मत दीदी, चिल्लाओ मत। फिर जल्दी जाओ, गोली होगी ले आओ। अच्छा बाबा देखती हूँ। देखा देखना। ऐसे पसीना पसीना क्यों हो गई हो सीता? सिर दर्द। राधा गोली लेने गई है, तुम थोड़ा सा मुझे गर्म पानी ला दो। बिना जाने के वो कौन है, तुम्हारे सर में दर्द कैसे हो गया? ओफो क्या बताऊँ कैसे हो गया, हो गया। दीदी गर्म पानी ला दो। ओफो मुझे तो देखने भी नहीं दोगे। इतने में यहाँ से कोई चला गया तो? मैं जो खड़ी हूँ कौन जाएगा, तुम जाओ। गई वो लोग बाहर। तुम तो चोरी चोरी जा रही हो और झूठ मुझे बोला पता है तुम्हें बचाने के लिए। अब मेरी नाक मत कटाओ, थोड़ी देर के लिए छत पर जाके छिप जाओ और सुनो वहां से उस चुड़ैल पड़ोसन के घर मत खिसक जाना, समझे? जाओ। क्या है ये सब मामला क्या है? कहती है पड़ोसन के घर मत जाना, आखिर ऐसी क्या खास बात है उस पड़ोसन के घर में? देखें, अरे वाह बहुत बड़ा मकान है, वहां जाकर क्यों ना देखूं? ये तो यहाँ है।
फिर वो कौन था? हाय हाय, ये क्या? सारे चीजें तितर बितर, हाँ? हे भगवान, मैंने तो यहाँ पर हार रखा था, कहाँ चला गया? सुनो जी, सुनो, उठो तो, चोरी हो गई, चोरी। होने दो, होने दो। अरे वो उधर मांगा हुआ हार, अब मैं क्या करूँ? क्या करूँ मैं? दीदी, दीदी, राधा, राधा, चोर, चोर, अब मैं क्या करूँ? क्या हुआ? क्या हुआ? उधर का हार, दीदी, चोरी हो गया। चोरी हो गया? दीदी, दीदी। सिन्नास्टार शीला देवी, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए? मैं कहती हूँ आगे मत बढ़ो, नहीं तो मैं चिल्ला पड़ूंगी। चिल्ला क्यों रही है? क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। ये देखिए मेरा पर्स, इसमें आपका फोटो हमेशा साथ रखता हूँ, एक ऑटोग्राफ, इस पर एक दस्तखत कर दीजिए। अरे वाह, एक तो आधी रात को चोरों की तरह मेरे घर में घुस आए हो और ऊपर से ऑटोग्राफ मांगते हो, बड़े अजीब आदमी हो। मैं चोर हूँ पर आपका भक्त हूँ, आपकी कला का पुजारी हूँ, आप मेरी मनपसंद कलाकार हैं। एक दस्तखत। गंगा कसम, आज तक मैंने आपका कोई पिक्चर नहीं छोड़ा। पहले ही दिन, पहले ही शो में 3 रुपए का टिकट कटा के बंदा वहां जरूर पहुंच जाता है। एक ऑटोग्राफ। अच्छा ला। वो ये आप कैसी थी? ये चीज कैसी थी? और ये कौन है? Who are you, मिस्टर? चोर, 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 पुलिस, फोन। अरे अरे भाई, अरे भाई, मुझे क्यों मारते हो? मैं तो बिल्कुल अनाथ हूँ, ना बाप, ना माँ, ना पत्नी। तुम तो बड़े प्यारे चोर हो। तो छोड़ दो इसे। हालांकि ये आदमी चोर है, मगर कहता है कि मेरे बहुत बड़ा भक्त है। जी हाँ, मैं इनकी हर पिक्चर 10-10 बार देखता हूँ। देखो, आज से तुम चोरी करना छोड़ दो और अच्छे आदमी बन जाओ, मुझे बहुत खुशी होगी। अरे मेहन साहब, पिक्चर में जो चोर दिखाते हैं ना, वो अपना धंधा बदल सकते हैं। अगर मैं चोरी का काम छोड़ दूं तो खाऊंगा कहां से? मैं तुम्हें पैसे दूंगी। आप और मुझे देंगी? अरे आपसे मिलने की खुशी में तो मुझे चाहिए, मैं आपको कुछ दूं। क्या दूं? हाँ ये पार्कर पेन लीजिए ना। देखिए मैं आपका भक्त हूँ, आपका जबरदस्त भक्त हूँ। अबे ले बोलना, ले लीजिए ना, आपका भक्त है। थैंक यू। देखिए इसे अपने पास रखिए, हमेशा अपने पास रखिए, मैं चलता हूँ। ठहरो ठहरो, वहां से जाने की जरूरत नहीं, अब तुम सीधे रास्ते से जा सकते। ठीक कहती हैं आप। क्यों मैं बच्चों? इसकी गई, इसकी गई। बेटा पुलिस को फोन करोगे? याद रखना बेटा, अगर किसी को पता चला कि मैं आया था या गया तो तेरी खोपड़ी के टुकड़े कर दूंगा। अरे वाह, न मालूम कहां से मारा होगा, लेकिन अब तो मेरा है। हमारी औरतों का आज तो जो समैया है ना, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये हमारे बड़े भैया है ना, इन्होंने ये तो भाभी को इतनी ढील दी है, जिसका ये नतीजा है। मैंने क्या ढील दी है, सारी ढील तो उसने ले ली है। तुम अपनी बात करो ना, तुम तो अपनी बीवियों के ताल पे छमाछम नाचते हो और मुझे कहते हो भाई इस झूठे दिखावे से तो मैं तंग आ गया हूं। अब सोचो कि आगे क्या करना है। सबसे पहला काम अपनी अपनी पत्नी को काबू में लाए। लेकिन कैसे? सुनो, ये अपनी परछाई है ना, परछाई, इसे अगर पकड़ने के लिए इसके पीछे भागोगे तो ये आगे आगे भागी जाएगी, और अगर उसे कहोगे चढ़ा और पलट जाओगे तो ये अपने पीछे पीछे आएगी। औरतों का भी यही हाल है। बिल्कुल ठीक, आज से घर में बस चढ़ा। तीनों की तीनों शेरनियां दिल्ली बन के हमारे पीछे चली आएंगी। इनको तो जितना दुत्कारोगे उतना ही ये पुचकारेंगे। सच है, लेकिन पत्नी को काबू में कैसे करेंगे? सुनो तुम ऐसा करो, बोलो अभी भाभी आ रही है। आज तो भाभी के नाम से ही पसीना आ गया। आप उन्हें क्या काबू में करेंगे? मानो भाभी तुमसे पूछे कि कल रात को तुम कहां गए थे तो तुम क्या कहोगे? तुम उनके पांव की तरफ मत देखना, बल्कि उनकी आंखों में आंखें डाल के सीना तान कर गर्दन ऊंची करके शांत कहना, देखो जी मैं मर्द की जात हूं, जहां जी चाहे जाऊंगा, जब जी चाहे आऊंगा। तुम पूछने वाली कौन होती हो? सुनो जी, मैं मर्द की जात हूं, जहां मेरा जी चाहेगा मैं जाऊंगा और जब मेरा जी चाहेगा मैं आऊंगा। तुम कौन होती हो पूछने वाली?
अरे इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, दोष तो सब मेरा है जो तुम्हें इतनी ढील दे रखी है। अगर पहले से तुम्हें काबू में रखता तो तुम्हारी क्या मजाल थी कि तुम इतना उछलती। मैंने सोचा बड़े घर की लड़की है, थोड़ा निहास कर जाओ, लेकिन तुमने इसका यह फायदा उठाया कि तुम मेरे सर पर आ बैठी। तुम्हें जरूर किसी ने सिखा पढ़ा के भेजा है। है? तुम्हें कैसे मालूम? देखो जी, मैं कोई बुद्धू नहीं, मैं सब समझता हूँ। ठीक कहा है बुजुर्गों ने, ढोल गवार पशु नारी सब है तान के अधिकारी। और देखो आज के बाद अगर तुमने अपनी गस भर की जबान बाहर निकाली तो मैं कैची से काट दूंगा। हाँ शहबाज शेर के बच्चे, घबराओ नहीं बेटे, मैं हूं। आज पता चला कि तुम मर्द हो। इन्हें इतनी हिम्मत कहां से आ गई, कैसे आ गई और कैसे आएगी? वहां वो शीला की बच्ची सिखाती है और यहां आके ये दोहराते हैं। अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि वो गुमनामी चिट्ठी इन्हीं के बारे में थी। ताजा खबर, साहसपूर्ण घटना, आज पिताजी ने माँ को खूब डांटा। उस तरफ कौन है? मैं हूँ दीदी। ओ राधा। दीदी तुम्हारी आवाज क्यों बैठी हुई है? ऐसे लगता है रात भर रोती रही हो। रोऊंगी नहीं तो क्या करूंगी? उधार का हार चोरी चला गया, पति ऐसी बेजा हरकत कर रहा है, रोऊंगी नहीं मैं। अब हम दोषी का कैसे पता लगाएंगे कुछ समझ में नहीं आता। जब से ये चुड़ैल शीला आई है सारे घर का सत्यानाश हो गया है। ए राधा, दिन रात अपने पति के गुण गाती थी ना तुम, अब क्या लक्षण है उनके? मैंने कहा जब से गुमनामी चिट्ठी आई है तुम्हारे पति देवता के क्या हाल है। राधा राधा। दीदी। अरे तुम हो क्या वहाँ? मैं तो समझी थी तुम चली गई। दीदी दीदी, उस गुमनामी चिट्ठी में क्या लिखा था मुझे एक बात बताओ तो। क्यों, चिट्ठी की एक नकल तुम्हारे पास भी तो है। मेरे हाथ कब चुप रहने लगे दीदी, मैंने तो फाड़ के फेंक दी। मुझे तो सारी चिट्ठी जबानी याद है। तो मुझे एक बार सुनाओ ना दीदी, सुनाओ ना। अजीब बात है, न जाने इतने में कैसे भूल गई तुम। लो सुनो बताती हूँ। तुम तीनों में से एक का पति सिनेमा स्टार शीला देवी के पीछे दीवाना है, दोनों में गहरा संबंध है। अगर मामला और आगे बढ़ा तो सर्वनाश हो जाएगा, इसलिए जरूरी है उसे यही रोक दिया जाए। सत्यवादी। अब थूकने से क्या फायदा, हमारी किस्मत ही फूटी है। चलो अब नहा लो जल्दी से। तीनों में से बोलो तुम दोनों में से कौन है वो? अच्छा तो वो गुमनामी चिट्ठी की वजह से ये संकट है, और इसी बात पे गौर करने के लिए पतियों की सभा बुलाई गई है। इस शैतान ने लिखी होगी ये चिट्ठी। वही शैतान जिसको सारी बातें पता है। बोलो तुम दोनों में से कौन है बोलो। मैं तो सिर्फ संगीत, मैं तो सिर्फ एक्टिंग का चांस। नहीं मैं मानने को तैयार नहीं, बिना आपके कहीं धुआं निकला है तो मैं ऐसा नहीं बताओगे। मैं खुद पता लगाता हूँ, चलता हूँ। क्यों कैसा है हार? ओ बहुत सुंदर। मेरी तरफ से एक अदना सी भेंट, तुम्हारे गले में क्या जचेगा चक 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 चक। ये हार इतना कीमती मेरे लिए? नहीं तो क्या मेरे लिए? लो पहन लो अपनी सुराही दाल गर्दन में। अच्छा सुनो। सुनाइए। ये असली हीरे का हार है ना? और नहीं तो क्या चोरी का है? ओहो मैंने तो यूं ही पूछ लिया महेश जी। ओह फिर वही महेश जी, कभी तो प्यार से कहा करो महेशु। अरे ये तो शुक्र है जो मैंने मिस्टर महेश जी ने कहा। तो फिर कब कहोगी महेशु? अभी नहीं। तो अपनी बात पक्की कब होगी? बात? हाँ कैसे बात? महेश छोटे जीजा जी आ गए, अगर मम्मी ने मुझे यहाँ देख लिया तो भी तब हो जाएगा, मैं तो जाती हूँ। थैंक यू। कितनी प्यारी लड़की है। अरे बाप रे अपनी चप्पल तो यूं भूल गई। अरे मैंने तो कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि तुम इस वक्त और यहाँ आ जाओगे, बिल्कुल नहीं सोचा था। भाई बाबा महेश ये तुम पागल की तरह क्यों हो रहे हो? क्या बात है ऐसे लचक क्यों रहे हो? मुझे देखकर घबराने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं मैं घबरा रहा हूँ। तो फिर हाथ क्यों पीछे बांधे खड़े हो? वो मैं तुम्हारा अदब कर रहा हूँ ना। अदब? ओ कभी अदब किया है मेरा और आज अचानक ये अदब? दरअसल एक उलझन। कैसी उलझन महेश? मुझे बताओ मैं सुलझा देता हूँ। वो तो मैंने सुलझा ली। तो फिर दूर क्यों खड़े हो? तुम ये बताओ कि तुम इस वक्त यहाँ क्यों आए?
बात यह है, मैं खुद गहरी उलझन में पड़ा हूं। तुम भी उलझन में हो? मैं पूछता हूं, तुम हां या ना कहो। अब बोलो। तो सुनो, तुम पूछो, मैं हां या ना में जवाब दूंगा। मेरे घर और तुम्हारे घर के बीच में प्रेम का मामला चल रहा है। तुम्हें पता चल गया प्रेम का मामला है या नहीं? है, है? लेकिन ये बात किसी से बताना नहीं, मैंने ये बात छुपा कर रखी है। बात छिपा के रखो मगर नाम तो बताओ। नाम कैसे बता दूं, अभी तक तो बात पक्की भी नहीं हुई है। अभी अभी बात पक्की करने की कोशिश की थी लेकिन रह गई बात। जैसे ही बात पक्की होगी सबसे पहले तुम्ही को बताऊंगा मेरे राजा। तो ये बात सच है कि दोनों मकानों के बीच में प्रेम काम चल रहा है? हाँ हाँ हाँ। बात छोड़ो, हाँ हटाओ और मेरा बैग लाओ। ये लो बैग, मगर जरा संभाल के मुझे मत सिखाओ, इसमें मेरी रोटी है। रोटी बिल्कुल ठीक। अरे क्या बात है, तुमने माथा क्यों पकड़ा है? क्या सर दुख रहा है? हाँ बड़ी जोरों से दुख रहा है। चाचा एक गोली दे दो ना चाची को। अरे एक गोली क्या, मैं पूरी बोतल देता हूँ, हमारे कंपनी की नई आलीशान दवा। ये क्या चाचा, ये है गोली? निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। दवाई के बैग में सोना चप्पल कहाँ से आ गए? कहाँ से आ गए मुझे खुद नहीं पता। किसके लिए खरीद कर ले जा रहे थे तुम? अपने लिए। हाँ? नहीं नहीं मेरा मतलब है तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, अगर तुमको पसंद नहीं है मैं वापस करके आ जाता हूँ। अगर मेरे लिए लाए थे तो ऐसे गिर बिना क्यों रहे थे? गलती हो गई। गलती हुई ना, गलती हुई ना। अब तो इसमें कोई शक ही नहीं रहा कि वो मेरे ही पति हैं। ठीक ही तो कह रही हो, चप्पल खरीदे और वो भी ऊंची एड़ी वाले। मुमकिन है तुम्हारे लिए लाए हो। मेरे लिए लाए होते तो ऐसे उल्लू की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर देखते। उनकी तो आंखें ही वैसी हैं, तुम्हें पता नहीं? बात ना बदलो दीदी, मुझे तो विश्वास हो गया शीला के जाल में ये ही फंसे हैं। नहीं नहीं, मैं तो कहती हूँ ये है, जो आदमी मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता था वो आज मुझ पर शेर की तरह झपटने लगा। नहीं दीदी मेरे ही पति हैं। हो न हो, हम ही दोनों में से एक का पति है। चलो मैं तो बच गई। ऐसा क्यों ना करें, हम तीनों शीला के घर जाकर उसी से साफ साफ क्यों ना पूछें कि किसका पति है। हाँ हाँ, कोई डर है क्या उसका? चलो। हाँ चलो चलो। आप लोग इतने दिनों के बाद आए हैं, ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी हैं? बैठिए ना, हम लोग बैठने के लिए नहीं आए हैं, एक बहुत जरूरी बात पूछने आई है। मुझे पता है आप लोग क्या पूछने वाली। पता है? तो क्या आप जानते थे कि हम लोग आएंगे? हाँ, पिछले 10 दिनों से मैंने आप लोगों को टेलीफोन नहीं किया था ना, उसी का गुस्सा है ना। ये बात नहीं, आपका इस तरह एक परिवार को बर्बाद करना क्या ठीक है? क्या कह रही हैं आप? एक मिनट। हाँ हाँ जाकर आइए, हम ठहरते हैं। हेलो जी, मैं शीला देवी बोल रही हूँ। क्या इसे पता नहीं कि हम क्या पूछने आई हैं? देखो ना, ऐसे बनती है जैसे इसे कुछ पता ही नहीं। अब तो बस मतलब की बात पूछे साफ साफ। हाँ हाँ आने दो। सीता ये पेन तो देखो, ये तो तुम्हारे पति की मालूम होती है। मालूम क्या होती है, ये तो उन्हीं की है, इस पर उनका नाम भी है राम। मगर वो तो कह रही थे घूम गई। तो फिर यहाँ कैसे आई? क्या कह रही हो तुम? अब और क्या कहना बाकी रह गया। हाँ तो क्या कह रही थी आप लोग? पहले ये बताइए ये पार्कर पेन कहाँ खरीदी आपने और कब खरीदी? ये तो मैंने नहीं खरीदी, तो ये तो किसी ने फेंक दी। भेंट? अगर आपको कोई इतराज न हो तो देने वाले का नाम बता सकती है? अगर ना बताना चाहे तो रहने दीजिए। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर बताइए। है कोई दीवाना, मेरा बड़ा भक्त है, उसी ने फाउंटेन पेन मुझे दी है। दीवाना भक्त? बस बस इससे आगे ना पूछिए। दीवाना है, बड़ा भक्त है। दीवाना है, बड़ा भक्त है। अब समझ में आया वो दीवाना भक्त कौन है? देखो ये तो बताती नहीं कि मामला क्या है और घंटे बजे टकटक टकटक कर रही हो। शीला महारानी को पार्कर पेन के भेज। पार्कर पेन? मेरी पार्कर पेन? हाँ हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा शीला के घर में। अरे वो वहाँ कैसे गई? हाँ है, तुमने खुद उसे भेंट की और कैसे अनजान बनते हो वहाँ कैसे गई? मैंने भेंट की? मुझ पर झूठी तोहमत क्यों लगा रही हो? सच कहता हूँ सीता, मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैंने कोई कलम विलम उसे भेंट नहीं दी। झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम ही ने उसे अपनी कलम दी है और चिट्ठी में जिसका जिक्र है वो तुम ही हो, सब तुम ही हो। वाह वाह वाह, ये खूब रहा।
तुम्हारे पिताजी ने जो कलम भैया को भेज दी थी वो इन्होंने शीला देवी को भेंट कर दी। ये घर है या कबाड़खाना? देखो तुम बीच में बोलकर कोई गड़बड़ मत करो। अच्छा, इसलिए तुम उस दिन शीला देवी के घर में मुझे देखते ही सोफे के पीछे छिप गए? शीला के घर में सोफे के पीछे? ये बहुत लंबी राम कहानी है भाभी, खैर छोड़ो मैं भी चलता हूँ। तुम्हारी जान मैं ले लूं। गुड। क्यों जी, तुम्हारे शीला को बहन देने के लिए मेरे बाप के फोन तक नहीं मिले तुम्हें? नहीं सुनो तो सही। नहीं अब नहीं मिल सकती तुम्हारे साथ, पहले मेरे और मेरे बच्चों का इंतजाम करो। आज बाप का फैसला हो ही जाना चाहिए। हाँ। पिताजी ये गणित नहीं आता मुझे, जरा कर दो ना। अरे रोते क्यों हो पिताजी, नहीं आता तो कोई बात नहीं। क्यों रे, स्कूल में बराबर ध्यान लगाकर पढ़ती नहीं और मुझे कहती है तुम्हें गणित नहीं आता? जानती नहीं मैं तेरा बाप हूँ, जा ध्यान से जा जा। कन्हैया तूने तो आज मेरे लिए अच्छी मुसीबत खड़ी कर दी। खैर कोई बात नहीं, अब देखो बच्चम जी मैं तुम्हारे लिए कैसी दवाई घोटता हूं। ना, 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 ना। कन्हैया आई एम सॉरी भैया, ये जो मेरी जबान है ना इसे चुप रहने की आदत नहीं, लेकिन तुम्हारी भाभी के सामने तुम्हें ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। ये तो शुक्र करो मैंने भाभी को फोटो नहीं दिखाया। फोटो? नहीं नहीं वो तुम कभी नहीं बताओगे, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम मेरे प्यारे छोटे भाई हो। क्यों ये तो मुझे मालूम है। वाह आज तुम बड़े अच्छे लग रहे हो। भैया आप मेरा मजाक मत करो। नहीं मजाक नहीं सच्ची कह रहा हूँ, बड़े जच रहे हो। वाह वाह क्या सूट है ब्यूटीफुल। ये क्या दिखता जी, लेकिन जेब नहीं, देखने में तो आप भी अकलमंद दिखते हैं भैया। तुम्हारा बड़ा भाई जो ठहरा हाथ मत लगाओ, पॉकेट क्या है यहाँ क्या? बहुत खूब बहुत खूब। मेरे सारा हाथ मत लगाओ, पॉकेट इस तरफ भी है क्या? हाँ हाँ चारों तरफ पॉकेट है। हाँ टाइम क्या हुआ? टाइम टाइम देखिए जब आपका टाइम अच्छा नहीं है आप टाइम क्यों पूछते हैं? कन्हैया ठीक से टाइम बता दे। क्यों आपकी घड़ी नहीं चलती क्या? अरे चलती तो है लेकिन लेकिन ठीक से नहीं चलती। प्लीज प्लीज अच्छी बात है बताता हूँ, लेकिन मुझे बार बार तंग नहीं करना। ओके ओके 9:30 बिल्कुल ठीक ठीक। यहां तो रात के 9:30 हैं। चलता हूं। सुनिए काम है क्या था? सो अच्छी तरह से हो गया, चलता हूं। घर वाले की गालियां सुनने को भी ये साफ काम कहते हैं। सुनो जी एक बात कहूं? हाँ मुझे मालूम हो गया है वो तुम नहीं हो। मैंने कहा था ना मैं नहीं हूं। मुझे मालूम था कि तुम नहीं होगे नहीं होगे। काहे की आवाज है? आवाज मैं भी आया। रुक जाओ निकालो जरा बाहर निकालो। माँ टूटी हुई चूड़िया? ये तो मर्दानी चूड़िया मालूम होती है। चूड़िया कभी मर्दानी होती है? नहीं तो ये क्या गड़बड़ है भाई, ये रोना धोना कैसे? बड़े मौके पर टपके हैं आप। अरे क्या बात है तुम रो क्यों रही हो? ये देखिए चूड़ियों के टुकड़े इनकी कोट की जेब से निकले। अरे ये तो कांच की चूड़ियां हैं। हाँ। ऐसी चूड़ियां मैंने शीला देवी के हाथों में देखी थी। संजीत मास्टर मुझे तो पहले ही शक था कि ये जरूर शीला देवी के घर जाते हैं। जाने दो बच्चा है बेचारा। भैया राधा तो बताओ ये चूड़ियों के टुकड़े तुम्हारे कोट की जेब में कहाँ से आए? ओह राधा इंसान से गलती होती है, माफ भी कर दो। संजीत मास्टर तो बताओ जवाब दो। भैया आप मेरे बारे में ऐसा कहते हैं? बच्चा तुम ही तो हो जो रोज उसके घर में जाके सेब दिया करते। सेब? अरे मैंने कह दिया मुझे ये नहीं कहना था। अच्छा भी मैं चला। आग लगाकर कहते हो मैं चला और चल दिए। कितने रोज से चल रहा है ये मामला, रोज रोज सेब देते हो। मैं सिनेमा स्टार को सेब नहीं दूंगा तो क्या सेरेडॉन दूंगा? कोई बात नहीं संगीत मास्टर, तुमने आज मुझे मुसीबत में डाल दिया, मैं इसका बदला लूंगा। ओहो
संगीत मास्टर के बेटे की शक्ल तो देखो। क्यों बे, क्या कर रहा है? चित्र बना रहा हूँ चाचा। तो चित्र कागज से बनाना, अपने चेहरे पे क्या बना रहा है? जाओ चाचा। क्या करता है? लाल रंग। सुन बेटा, जरा ब्रश देना। शाबाश, देख तूने कभी अपने बाप को रोते हुए देखा है? नहीं। नहीं तो आज देखेगा। जा। कहाँ? अरे जाना। संगीत मास्टर। संगीत मास्टर से ये शीला देवी प्यार करती है। आज संगीत मास्टर खत्म। अभी भाभी, मैं लॉन्ड्री जा रहा हूँ, अगर कुछ मैले कपड़े हो तो दे दीजिए। हमने तो सब धुलने पहले ही दे दिए, अब कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, लेकिन एक तो लटका हुआ है। ये तो अभी वो पहन रहे हैं। ये पहन रहे हैं गंदा। गंदा? हाँ हाँ, देखिए ना। है ये क्या? अरे भाभी, ये आपने लिपस्टिक लगाना कब से शुरू कर दिया? हे राम, मैं? आप नहीं लगाती? नहीं तो? लेकिन फिल्म स्टार शीला देवी तो लगाती है। ये लिपस्टिक का निशान संगीत मास्टर के शर्ट पे कैसे आ गया? ओ भैया आ गए, आइए भैया। अरे पार्वती, ये बिल्कुल झूठे, सरासर झूठे। अरे ये पापी, क्यों मुझे सीधे बातें करता है? क्यों मियां बीवी में झगड़ा लगाता है? पार्वती, इसकी बातों पर मत जा, इसकी बातों पर कान मत दो पार्वती। मैं कुछ नहीं जानता भाई, मैं तो चला। पार्वती, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। पार्वती, इस तरह घूर घूर के मत देखो, मेरा दिल चूर चूर हो जाता है। पार्वती, बस बस बस, शांत शांत शांत। भाई सुनो, तुम लोग इस गुमनाम चिट्ठी पर मुझे तो विश्वास नहीं होता, मगर एक बात कहता हूं, दुनिया में जो कुछ भी अच्छा या बुरा होता है उसकी जड़ में औरत ही होती है। सच है, सच है, सच है। इसलिए जो औरत ठीक से रहकर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करती, उसके परिवार का कभी कल्याण नहीं होता। ये भी सच है। पत्नी की नजर हमेशा अपने पति पर रहनी चाहिए, अगर वो नजर से हटा तो समझ लो हाथ से गया। अब ये चिट्ठी की बात कहां तक सच है मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर तुम लोग अपने अपने पति को अपने वश में रखोगी, यानी काबू में रखोगी, तो हर चीज काबू में आ जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तो मैं चलूं, तुम भी अपने अपने काम पर जाओ। जा। ये क्या कह रहे हैं, काबू में रखो? वो कह रहे हैं अपने वश में रखो। वश यानी? वश नहीं जानती? वश यानी वश। ओ वश। मेरी तरफ जरा देखो कन्हैया, मेरी तरफ जरा देखो कन्हैया, राधा से बन गई रीटा मैं कन्हैया। कन्हैया 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 कन्हैया, मेरी तरफ जरा देखो कन्हैया, राधा से बन गई रीटा मैं कन्हैया। कन्हैया कन्हैया, राधा से बन गई रीटा मैं कन्हैया। कन्हैया
फोन किया था भाई। किसको क्या हुआ? मालूम होता है आपको खांसी है। मुझे छोड़िए। बात यह है, अभी थोड़ी देर पहले मेरी पत्नी राधा बिल्कुल ठीक थी, अभी अचानक ना जाने से क्या हो गया। क्यों, क्या हुआ भैया? आपको मालूम नहीं, वो ऐसे नाच कूद रही थी, मैं तो घबरा गया। राधा दीदी नाच रही थी? वो ऐसे नाच रही थी, कोई भी अच्छे घर की बहू बेटी नहीं नाचेगी। डॉक्टर, केस बहुत सीरियस है डॉक्टर। भाई साहब, हर बात पहले पहले सीरियस ही लगती है, मगर जैसे जैसे समय जाता है। ये क्या, आप लोगों ने ये सब क्या लगा रखा है? क्या मैं पागल हो गई हूँ? आप लोग हैं पागल। अरे कन्हैया, कल तो राधा भली चंगी थी, आज एकदम पागल। हाँ भैया। ये शोर कैसा? राधा अपना हाथ दिखाओ डॉक्टर को। नहीं, कभी नहीं। दीदी, अगर ऐसे चिल्लाते रहोगी तो डॉक्टर साहब चीरे देंगे। क्या कहा? राधा, खबरदार, अगर कोई भी मेरे पास आया तो वो मजा चखाओगी। ये तो सीरियस मामला है, इन्हें अस्पताल ले जाना होगा। राधा, मुझे नहीं मालूम था तुम्हारी ऐसी हालत हो जाएगी। आप भी चलिए अस्पताल। देखा सीता, राधा कैसे नाच रही थी। कोई भले घर की लड़की भला ऐसा नाचेगी दीदी? आखिर पति को अपने वश में करने की भी कोई हद तो होती है, इसमें कोई शक नहीं, ये वही है, वही बात है। तो तुम्हें बिल्कुल विश्वास हो गया कि ये पागलपन ही है? नहीं तो क्या वो ऐसा नाच नाचती? पागलपन से कोई ऐसा नाच नहीं नाचेगा दीदी। तो क्या तुम्हारा मतलब है उसे कोई भूत भूत लग गया? हाँ, मैं तो कहती हूँ किसी ओझा या तांत्रिक को बुला ले, मंत्र पढ़ के झाड़ फूंक करेगा तो भूत जाता रहेगा। अरे ये भूतनी अभी तक यहाँ है, पहले इसे दूर करो, सब ठीक हो जाएगा। ये हार? अरे वो उधर मांगा हुआ है, जो चोरी गया था मिल गया वो हार। तो क्या ये हार चोरी गया था? तो और कौन सा हार था अपने घर में? चलो कुछ भी हो, खोया हुआ हार मिल गया, बड़े भाग्य है हमारे। ये भाग नहीं, शनि है, शनि। जिस रोज से ये हमारे घर आया है उस रोज से शनि हमारे घर पे मंडरा रहा है। पहले इसे कमला को वापस देकर इससे अपना पीछा छुड़ा दी। बिल्कुल ठीक दीदी। दी।
पिताजी, आपको ये पत्र मिलने से पहले ही मैं मर चुकी होंगी। मैं अपने जीवन से तंग आ गई हूँ। कहते हैं मैं पागल हो गई हूँ। हाँ, सब लोग यही कहते हैं। मैं जा रही हूँ। मेरी जो सोने की दोहरी माला है वो माँ को दे दीजिएगा। जवाब जल्दी दीजिएगा। जी जी, जवाब का अब सवाल ही कहाँ रहा। आपकी अभागिन बेटी राधा। ये भगवान, ये क्या हुआ? सुनो तो, अपनी राधा मर गई। बंद करो जी अपना मुंह, जो जी में आया बोले जा रहे हो। उसकी ससुराल में ट्रंक कॉल करो और पूछो कि हमारी बेटी का क्या हाल है। राधा, क्या तुमने ये ठीक किया कि नींद की गोलियां खाने की कोशिश की? अगर मैं वक्त पर पहुंचकर तुम्हें ना रोक लेता तो आज बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। तुम मर जाती राधा, तुम मर जाती। जिंदा रहने से फायदा, सब लोगों ने मिलकर मुझे पागल ठहराया है और इसी बहाने तुम शीला देवी से शादी करने की तैयारी कर रहे हो। राधा सब मत कहो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मत जाओ राधा, राधा मत जाओ। टेलीफोन कौन है भाई? हेलो, कौन? कन्हैया, हमारे जवाई जी। हाँ, मैं हरि प्रसाद बोल रहा हूँ। कन्हैया जी, हमारी राधा कहाँ है? राधा कहाँ चली गई? राधा वो तो ऊपर चली गई। राधा ऊपर चली गई। हेलो ससुर जी, बुलाओ आपकी बेटी को। हेलो हेलो, आप भी चले गए? हे भगवान, मेरी बेटी राधा। चलो हम भी चले। ए मिस्टर। यस मिस्टर। बड़े कमाल के आदमी हैं आप। क्यों? मेरे घर से हार चुरा कर मुझे ही भेंट करते हो? तुम्हारे घर का हार तुमने क्यों चुराया, कब चुराया, कब सच बताओ। दरअसल वो हार मैंने एक चोर के पास से चुराया था। मुझे क्या मालूम था कि उस चोर ने वो हार तुम्हारे घर से चुराया होगा, वरना मुझे हाथ तक नहीं लगा था। चोर कुछ भी हो, चोर तुम भी हो ना? चोर जरूर हूँ, लेकिन अगर फिल्मी भाषा में कहो तो वो चोर हूँ जिसने सिर्फ दिल चुराया है। सिर्फ तुम्हारा? इतना सब करने के बाद भी प्यार की बातें करते हो? बोली सूरत तिल के खोटे, इसलिए मैंने तुमसे कभी अपना प्यार नहीं जताया, तुम भूल जाओ। ऐसा मत करना, तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मुझे ढूंढनी पड़ेगी एक मीटर रस्सी या एक लीटर जहर। तुम दोनों यहाँ, ये सब क्या चल रहा है और कब से चल रहा है? दीदी वो मैंने न माँ न बाप न पत्नी, कहते कहते अब तुम पत्नी की तलाश में लगे हुए हो। तलाश करने से माँ बाप तो मिल नहीं सकते, इसलिए मैं मत। शट अप माला, तुम्हें भी शर्म नहीं आती? तुम्हारे तो पढ़ने लिखने के दिन है, ये प्यार का बुखार कब से चढ़ने लगा? अरे चुप क्यों, ये चुप रहने का मतलब क्या? चुप का मतलब हमेशा हाँ होता है मैडम। शट अप। भगवान के लिए सीता देवी को कुछ मत बताइएगा, तुम्हारे दीदी को नहीं, मैं तो तुम्हारे पिताजी को लिखूंगी। नहीं ऐसा मत कीजिए, ये तो वो कहेंगे कि तुम लोग पढ़ने गई थी या प्यार करने। सच सच बताओ, क्या तुम महेश से प्रेम करती हो? हाँ तो मेरा प्यार स्वीकार। उनको कुछ मत बताइएगा। महेश चलो लिखो। जाने दीजिए, जाने दीजिए, छोटे लोग हमेशा गलती किया करते हैं और मुझे तो छोटी सी बच्ची है। जाओ जाओ। महेश मैं कहती हूँ लिखो, आपकी बेटी का भविष्य तय करना है, फौरन चले आइए। शीला, इसके पिता का पता पूछकर फौरन ताल दे दो। अब आने दो उन्हें, लड़की का भविष्य शादी। शादी? हाँ, तुम दोनों की शादी की तैयारी मैं खुद करूंगी और देखो तब तक तुम दोनों बिल्कुल खामोश रहना, समझी पगली? माला, तार दिया तो डरना क्या? ये कैसा तार है, कुछ समझ में नहीं आता। सीता की माँ? ओ सीता की माँ। हाँ जी। अरे ये तार कैसा? बंबई से आया है, किसी शीला देवी ने भेजा। शीला देवी ने क्या लिखा है? लिखा है कि आपकी लड़की का भविष्य तय करना है, फौरन चले आइए। हाय राम, इसका क्या मतलब हुआ? अब मैं क्या जानू क्या मतलब हुआ, जो कुछ लिखा है वो तुम्हें बता रहा हूँ। अरे तो सीता को क्या हो गया, और तार देने वाली शीला देवी कौन है? सीता से शीला देवी का क्या संबंध है? हाय हाय, तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैंने तार भेजा है।
अब मैं क्या जानू शीला देवी किस बला का नाम है और सीता सेन का क्या संबंध है। अब चलकर वहां लोगों से पूछेंगे तब तो पता चलेगा। अरे तो खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे, चलो ना जल्दी चलो। लो कमला अपना हीरे का हार लो और देख लो बराबर है या नहीं। इतनी जल्दी क्या थी, बाद में लौटा देती, कहीं भाग तो नहीं जाता तुम्हारे पास से। अरे भाग ही गया था। क्या कह रही हो तारती? नहीं नहीं कमला, बात यह है कि मैं तुमसे मांग कर ले गई थी और दिन पर दिन भागे जा रहे थे। मगर ये तो बताओ तुम इतनी परेशान क्यों हो, बोलो तो क्या बात है? कुछ दिनों से मुझ में और मेरे पति में बड़ी गलतफहमी हो गई है। अब तुम्हें वो सारी बातें क्यों बताऊं? बस इतनी सी बात? तुम इसे इतनी सी बात कह रही हो? मानो तुम्हारे पति अगर किसी और लड़की से छिप छिप कर मिलते रहे तो क्या तुम उसे इतनी सी बात कहोगे? हे भगवान, फिर? अब पूछो मत, छोड़ो। क्या वो किसी और लड़की से प्रेम करते हैं? मान लो उस लड़की ने इन्हें अपने मोह जाल में फांस रखा है, मगर इनका दिमाग कहाँ गया, इन्हें फंसना चाहिए। मैं पूछती हूँ, पांच बच्चों के बाप को फंसना चाहिए? इज्जत मिट्टी में मिली जा रही है। अब तुम्हें क्यों परेशान करूं, मेरी बात मुझे तक रहने दो। मैं कब पूछ रही हूँ सारी बातें, पर ये तो बताओ वो लड़की है कौन? कहते भी शर्माती है, वो हमारे पड़ोस में रहती है ना, सिनेमा स्टार शीला देवी। हाँ देखो कमला, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मैं जाती हूँ। सिनेमा स्टार शीला देवी का संगीत मास्टर शंकर के साथ चोरी चोरी प्रेमालाप, छिपे प्रेम का पर्दाफाश, देखा तुम्हारे दामाद की करतूतें अखबार में छपी है, अखबार में पांच पांच बच्चों का बाप होकर सिनेमा स्टार के पीछे पड़ा। सिनेमा स्टार के पीछे? हाँ हाँ सिनेमा स्टार। और क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा, लिखा है सविस्तार समाचार अगले हफ्ते, इतना क्या काम है? तो फिर पार्वती का क्या होगा? अरे मैं क्या चुप बैठने वाला हूँ, अभी बंबई जाकर मानहान का दावा करूंगा और एक एक बात का फैसला करके छोड़ूंगा। सुनो मैं भी चलूंगी। हाँ हाँ तुम भी चलना और एक होशियार वकील भी साथ ले चलेगी। अरे वकील तो तुम भी हो। कहा ना होशियार वकील। अच्छा अच्छा चलो। हाँ सच सच कहना, इसमें तुम्हारा तो दोष नहीं है। पिताजी आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मैं सब ठीक कर दूंगा। संदी जी ये कैसा पहाड़ टूट पड़ा, क्या सब कुछ समाप्त हो गया, बाकी क्या रह गया, समाप्त हो गया। भगवान हमने ये कभी नहीं सोचा था। यहाँ किसने सोचा था हरि प्रसाद जी? जवाई जी जवाई जी जवाई जी जी जवाई जी जवाई जी जवाई जी जवाई जी। क्या बताओ वो हम सब कुछ छोड़ कर चली गई ससुर जी, वो हमें अकेला छोड़कर चली गई। मुझे तो तभी शक हो गया था जबकि आपने बात करते करते टेलीफोन रख दिया था। मेरे साथ आपको अकेला छोड़कर चली गई। सास मेरे साथ आपकी पत्नी। मेरी पत्नी क्या हुआ, वो देख कैसे छत से खड़ी है, मैं तो राधा के लिए रो रहा था, क्या हुआ था उसे? पिताजी राधा राधा बेटी तुम जिंदा हो? तुमने कहा था कि राधा मर गई। मैंने कब कहा था कि राधा मर गई? तुमने फोन पर से कहा था कि राधा ऊपर गई। अरे ससुर जी ऊपर गई यानी सीढ़ी के रास्ते से ऊपर गई। ओ स्कूल मास्टर के बच्चे, तो फिर फोन पर रो क्यों रहा था? मौका ही रोने का था, लेकिन आप क्यों रो रहे थे? मैं तो राधा चली गई इसलिए रो रहा था, मगर तू क्यों रो रहा था? मैं रो रहा था कि ये नहीं गई। लेकिन आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया तुमको नहीं बताऊंगा, तो जाइए स्कूल मास्टर को बताइए। हाँ हाँ तुम्हारे बाप को बताऊंगा, क्या समझा? अगर मेरी बेटी सच्ची मर जाती तो आप क्या जवाब देते? राम 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 राम, ऐसी अशुभ बातें मुझसे ना निकालिए, बेटी तो ईश्वर कृपा से जीती है, मगर आप क्यों मरे जा रहे हैं? सीता 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 सीता, लो आपके सास ससुर जी आ गए, ये कैसे आ टपके यहाँ? लीजिए समझी नंबर दो भी आ गए, आइए आइए पधारिए, सब शुभ शांति है ना? बताओ। हाँ हाँ बता बता। कब? कल सीता सीधा
पिताजी। बेटी। पिताजी, बेटी, बेटी, ये सब क्या हो गया बेटी? बेटी, हाँ। पहले ये तार देख, इसका मतलब क्या है? तार? अच्छा, तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई। अरे, रोती क्यों है तू बेटी? मेरे भविष्य का फैसला करने वाली वो कौन होती है माँ? वो है कौन बेटी? वही सिनेमा स्टार शीला। शीला? ये है कौन वाला शीला? मेरी समझ में कुछ नहीं आया। वो आपके लाखों में एक दामाद है ना? हाँ? उनकी एक नई प्रेमिका है। क्या प्रेमिका? हाँ पिताजी, अब वो उनसे शादी करने वाले हैं। अरे तेरे होते हुए वो सिनेमा वाले से शादी करेगा? यही बात है माँ। तो वो तलाक देना चाहता है? तलाक? अरे मैं उसका जीना मुश्किल कर दूंगा। अरे जहाँ क्यों चिल्ला रहे? वहाँ जाओ ना। वहाँ जाने से मैं डरता हूँ, तू देखती तो जा। दीनानाथ, दीनानाथ, इसका क्या मतलब है? अभी अभी आपने बड़ा मुंह फाड़ कर कहा सारे बर्तन चांदी के बर्तन थाली से लेकर चम्मच तक तुम्हारे चरणों में लाकर अर्पण कर दिए। कहा था ना? कहा था साहब। जानते हैं इस वक्त वो बर्तन कहाँ है? कहाँ है? ये रहे, ये रहे, देखिए। देख रहे हैं? हाँ दिखता है, दिखता है, दिखता है ना। पर मैं ये पूछता हूँ कि बस यही दिखाने को लाए थे आप? ठहरिए साहब, अभी और बहुत कुछ है। इधर आ रहे न तो ये इस नौकर के हाथ आपकी लाड़लियां ये तमाम बर्तन साहूकार के पास गिरवी रखने भेज रही थी। ये लाकर मुझे देता रहा, पैसे मुझसे लेता रहा। क्यों रे, ठीक है कि नहीं? सच है मालिक, सच है। सच है ना? सुन लिया? सब सुन लिया, पर मेरी ये समझ में नहीं आता है कि ये पति देवता लोग भी तो कमाते हैं ना? कमाते हैं या नहीं? तो फिर ये बर्तन गिरवी रखने की नौबत क्यों आई? ये सवाल मुझसे नहीं, अपनी लाड़लियों से पूछिए। आइए आइए, इस बात का भी फैसला हो जाए। आइए आइए। सुनिए साहब, क्यों नौबत आई गिरवी रखने की? क्या घर में खाने को नहीं था? क्या लड़कों की तनख्वाहें कम थी? मैं पूछता हूँ, एक घर में चाचा रेडियो चाहिए क्या? बाजार से सोफा सेट किराए पर लाए जाते हैं। मैं पूछता हूँ, ये ठीक बात है? जेवरों से लाद रखी है बहुरानिया मैंने। मैं मामूली हैसियत का आदमी सही, लेकिन असली सोने से लाद रखी है। इस पर भी मांग कर वो हीरे की हार पहनती है। झूठी शान बगाड़ने के लिए सत्यानाश कर दिया आपकी बेटियों ने, सत्यानाश कर दिया। अब ये टेलीफोन, जानते हैं ये कैसे लाया गया? ये कह के कि मैं बीमार हूं, मर रहा हूं। और किस लिए लाया गया? उस सिनेमा की छोकरी से बातें करने के लिए। बहुत जरूरी था ना ये बातें करना? क्यों वकील साहब, बगले क्या झांक रहे हैं? बड़ी जरूरत कर रहे थे उस समय। बोलिए ना, पूछिए ना उनसे। आओ बिटियो, कहाँ हो? आओ, वहां क्या भीगी बिल्लियों की तरह आंखें मिचमिचा रही हो? वो हीरे की हार की चोरी से लेकर वो सारा सारा दिन बच्चों को घर में भूखा छोड़कर वो मेम साहब के साथ सैर सपाटे में लगे रहना। आओ बयान करो। वो गलतियां तो हमने पहले ही कबूल कर ली, मगर इस गड़बड़ घोटाले के लिए हम जिम्मेदार नहीं। तो हम है? हाँ हाँ, तुम ही हो, नहीं तो ये गुमनामी चिट्ठी क्यों आती? क्या कहा? गुमनाम चिट्ठी? हाँ पिताजी, इसे पढ़िए, सब समझ जाएंगे। पढ़िए पिताजी, आप भी पढ़िए। कैसी फूटी किस्मत, अखबार में छपना क्या काफी नहीं था, ये गुमनाम चिट्ठी भी ऊपर। सारा शहर हंस रहा है। भाई साहब, सारा शहर क्या, दुनिया हंस रही है, दुनिया। बंद करो ये शोर। क्यों बंद करें साहब? घर में इतनी गड़बड़ हुई, स्कूल के हेड मास्टर होते हुए एक चिट्ठी भी भेजी। बोलिए, भेजी? नहीं भेजी। क्या बात है, कहते हैं नहीं भेजी, क्यों नहीं भेजी? क्योंकि वो गुमनामी चिट्ठी मैंने ही लिखी थी। नहीं, अब झूठ मूठ कह रही है। हाँ, हम बहलाने के लिए बात बना रहे हैं। यूं ही कह रहे हैं ताकि बात यहीं दब जाए। हाँ। नहीं बेटी, अपने बच्चों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ऐसा बुरा काम वो कभी नहीं करेंगे। मैंने ही लिखी थी वो चिट्ठी। ये देखो असली चिट्ठी, इसी की नकल तुम्हारे पास भेजी थी। एक समझदार बुजुर्ग को ऐसा काम करना चाहिए? अपने घर को अपने ही हाथों से बर्बाद कर रहे थे। बर्बाद नहीं कर रहा था साहब, अपने घर को बर्बादी से बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। मैंने इन लोगों को बहुत समझाया, लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। आखिर लाचार होकर मुझे ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा, जिससे इनके दिल को झटका लगे। हरी भरी बेल को जब कीड़ा लगने लगता है ना, तो उसे जोर से झटकना पड़ता है। मैंने भी जब देखा मेरे घर की नन्ही मुन्नी बेलों को झूठी शान का कीड़ा लग रहा है,
तो मैंने उन्हें जोर से झंझोड़ा। हाँ, किया मैंने अपने ढंग से। आपने तो अपने ढंग से किया, लेकिन हमारे मुंह पर कालिक लग गई। आज सारा शहर हम पर थू थू कर रहा है, यही आपका ढंग है? कह रही क्यों, अखबार देखकर सारी दुनिया हम पर थूकेगी। हाँ, इतना सब कुछ होने के बाद भी हम जिंदा क्यों रहे? हमें ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए। मेरी बात सुनो। पार्वती, पार्वती, बोलो। दरवाजा खोलो बेटी, ये क्या पागलपन है, ये सब क्या हो रहा है? दरवाजा सुनो, राधा सुनो। बेटी, पार्वती, पार्वती, राधा, सीता, तुम्हारे भलाई के लिए जो कुछ किया, तुम्हारे भलाई के लिए किया, खानदान को बर्बादी से बचाने के लिए किया। हमारी आंखें खुल गई पिताजी, झूठे दिखावे से अब हमने कान पकड़े। जी हाँ, वो सब रेशमी साड़ियाँ हमने गठरी में बांधकर ऊपर रख दी, और अब हमने पुराने सूती साड़ियाँ पहन ली। वाह वाह बहुरानियों, 30 सेकंड तक तो तुमने मेरे होश उड़ा दिए। और आपने तो हमारे होश उड़ा दिए थे 30 दिन तक। हमें माफ कर दीजिए पिताजी। जीती रहो, सदा सुहागन। उठो बेटियों, उठो। तो बस, यानी आखिर में कुछ हुआ ही नहीं? क्या मतलब हुआ नहीं, मेरा नाम अखबार में आया है, मैं सारे शहर में बदनाम हुआ हूँ, और तुम कहते कुछ हुआ नहीं? भाई, अखबार के बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था। आपने नहीं सोचा था ना? नहीं। यानी आपने गलती की। चलिए बेंच पे खड़े हो जाइए। मैं देखिए पिताजी, गलती गलती है, बेंच बेंच है, चलिए। अच्छा बाबा, खड़े खड़े पिताजी, मेरा नाम जो अखबार में छपा हुआ है उसका कौन जिम्मेदार? और कोई नहीं, मैं। यही बताने के लिए मैं आपके घर आया हूँ। उस दिन आपने जो कुछ मेरी पत्नी कमला से कहा था, उसको मैंने ही अखबार में छाप दिया। मैंने तो यूं ही कह दिया था, इसका ये मतलब तो नहीं कि आप अखबार में छाप दें। नहीं नहीं पार्वती, ये बात नहीं। मैं तो आप लोगों से माफ़ी मांगने आया हूँ। आप लोग फिक्र न करें, मैं कल के अखबार में जरूर लिख दूंगा कि ये सब झूठ था। ठीक है, और अखबार में माफ़ी भी मांग लीजिएगा। हाँ, माफ़ी तो मैं भी मांगने आई हूँ। मैंने सुना है कि मेरी वजह से इस घर में बहुत सारी गलतफहमी हो गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बिटिया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। असल में मुझे इस घर की सादगी बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाना चाहा था। लेकिन सुन रही हो बिटिया? हाँ, देखिए, इस संसार एक पाठशाला है, लेकिन इसके पाठ पढ़ाने और सबक सिखाने के ढंग कुछ निराले हैं। अच्छा, तो इस पाठ से आपने क्या सबक सीखा? जो कुछ नहीं है उसके खातिर जो है वो ना खोना, देखो जो है वो ना खोना। जो कुछ नहीं है उसके खातिर जो है वो ना खोना, माला नहीं खोना।